Are you ready? चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 3 या 4 होते रह गए यार, ये रमजान कैसे गुजर गया पता ही ना चला। लेकिन हमारी लीग बहुत फेमस हुई, आप लोगों ने बड़ा सराहा हमें, और लीग से याद आया जो आज का मुकाबला है, ये लीग का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो 2 टीम्स हैं ये दोनों 8-8 पॉइंट्स पे हैं इस वक्त। और आज अगर मैं यूं कहूं कि इन दोनों टीम्स का क्वार्टर फाइनल है तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हें क्या हुआ विलायत, स्मार्ट लग रहे हो आज तुम यार। अरे आज सब, अरे मतलब सब लोग आज स्टाइल चेंज करके आए, ऐसा क्यों? तुमने यह बाली पहन, ये बाली है क्या? ये इनकी बाली है मदिया जी की। तो मदिया की बाली बेटे तुमने क्यों पहन ली? स्टाइल चेंज करने के लिए ना, बस यही बात है ना। बिलाल को पहनाइए, बिलाल ने कहा मुझे अपनी बाली उतार के देते। मैंने कहा बिलाल तुम पे सब कुर्बान है, है? तो मैंने बिलाल को, अच्छा लग रहा है वैसे। आप लाइव करिए बिलाल को, आपने दे दी है सब बाली। जी जी, बिलाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या बात है बिलाल, वाकई आप स्मार्ट लग रहे हैं आज तो। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आज का मुकाबला किसी एक टीम को घर भेज देगा। गाइस याद रहे, तुम दोनों का क्वार्टर फाइनल है आज। 3 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, लाहौर, क्वेटा और तीसरी टीम है हमारी कराची, जो कल क्वालिफाई करके गई है। लेकिन आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स तुम लोगों के थे पहले, लेकिन तुम लोग इतने सारे मैच एक साथ हारे हो कि तुम लोग सेकंड लास्ट पे आ गए हो। बट आज मौका मिला है दोनों टीम्स को, यहां से कोई आगे जाएगा और एक टीम यहीं रुक जाएगी और बहुत सारी यादें लेके जाएगी यहां से। चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्वार्टर फाइनल। बुलाऊंगा सबसे पहले कैप्टन इस्लामाबाद ईगल्स मारिया बास्ती, आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, आइए। अरे हाँ वाकई, साथ साथ जल्दी से बुलाऊंगा मैं कश्मीर हीरोज के कैप्टन मुस्तफा चौधरी, आइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम। गाइस प्लीज हैव सीट्स। अच्छा मैं जल्दी से टॉस करूंगा क्योंकि आज का मुकाबला याद रहे क्वार्टर फाइनल, पता नहीं कौन जीतेगा। आप शुरू में ये बोलेंगे आपके जो फैंस उनका दिल टूट जाएगा। लाइए जल्दी से टॉस टॉस टॉस, मारिया जी शुरू करेंगे, रेडी? बताइए। बहुत अच्छी शुरुआत है टॉस, आप लोग हारे हैं, कौन आएगा आपकी टीम से? याद रहे इन्होंने मेरा स्टाइल कॉपी किया है आज से सभी का, वो देखे ना आप स्टाइल, ये होता है स्टाइल। क्या स्टाइल है, मैं कह रहा हूँ क्या स्टाइल है जबरदस्त। ये बाल तुमने पहले क्यों नहीं रखे? मुझको आज ही आइडिया है क्योंकि आज आखिरी मैच है ना। अच्छा अच्छा, आइडिया आया बताओ मुझे, मैं तो मारिया जी को बताओ तुम्हें आइडिया कहाँ से आया। अच्छा जी, जहाँ वो रेडी होने गए इस गेम को खेलने के लिए, मारिया जी आपकी टीम से कौन जाएगा? नहीं मैं जीती हूँ ना। नहीं आप जीती हैं, मैं रेडी करवा रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये। अच्छा जी, गेम का नाम है अंधाधुन। मैं आपके प्लेयर को यहाँ छोड़ दूंगा, उसके बाद दूसरी टीम ने इंटरप्ट नहीं करना है बीच में, सिर्फ कैप्टन बोलेंगे, कैप्टन समझाते रहेंगे कि किस तरह जाना है, आपने राइट जाना है लेफ्ट जाना है, बॉल पिक करनी है और फेंकनी है, बॉल उठानी है और फेंकनी है, वो बॉल काउंट होती रहेगी। आ जाओ भाई जल्दी से, आ जाओ जल्दी 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 आइए। बस 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 बस
हुसैन और नीचे ही रहना है तुम्हें। हुसैन को दो दफा घुमाओ पहले। अच्छा हुसैन वो घुमाएंगे आपको, एक मिनट का टाइम है आपके पास, रेडी गो बोलो। राइट 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 अपने राइट अपने हाँ नीचे नीचे और थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा इस तरफ लेफ्ट 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 हाँ नीचे नीचे राइट राइट। गिर गई बॉल गिर गई कोई बात नहीं चलो आज राइट राइट जहाँ मेरी आवाज आ रही है वहीं पे जल्दी जल्दी बोलें राइट हाँ हाँ बिल्कुल इसी 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 डायरेक्शन में इसी थोड़ा सा और थोड़ा हाँ ये एक बहुत आला वो आराम से लेफ्ट थोड़ा सा और अच्छा आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ हाँ नीचे 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 ये बहुत आला दो राइट अपने राइट जाओ अपने राइट हाँ जाओ 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 थोड़ा सा लेफ्ट नीचे नीचे तीन बहुत आला आगे 20 सेकंड बाकी है लेफ्ट पे जाओ अपने लेफ्ट पे जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो लेफ्ट पे थोड़ा सा आगे 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 की तरफ हाँ बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ये बहुत आला चार वेरी गुड आते रहो मेरी जहाँ आवाज आ रही है मेरी आओ 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 थोड़ा सा लेफ्ट हाँ नीचे थोड़ा सा लेफ्ट अपने लेफ्ट अपने हाँ थोड़ा सा और इस तरफ राइट राइट टाइम अप चार स्कोर किया इस तरफ ये बात याद रखिए मारिया जी इस तरफ नहीं बोलना है उसको नहीं समझ में आएगा चार स्कोर किया है पांच स्कोर करना है आइए जी शाताज को लेकर आइए खैर है कोई बात नहीं शाताज आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ अच्छा मदिया थोड़ा सा आगे लाइए ना और दो दफा घुमा दीजिएगा शाताज आप दो चक्कर लोगे दो राउंड लो दो राउंड लो एक रेडी गो नीचे मुड़ जाओ राइट की तरफ टर्न बस आगे जाओ अपने राइट थोड़ा सा नीचे नीचे पीछे 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 ये गिर गई बॉल आगे अच्छा आप इसी तरह आगे आओ और राइट की तरफ जाओ नीचे रखो हाथ अपने राइट आहिस्ता अब आ रहा है बिल्कुल बॉल राइट की तरफ राइट और राइट ये गिर गई बॉल आगे इसी तरह बिल्कुल तुम्हारे सामने है बिल्कुल बीच में यहाँ पे है बॉल एक बिल्कुल तुम्हारे लेफ्ट पे है यहाँ पे है बॉल नीचे हाथ नीचे ये अब बीच में अपने राइट ये तुम्हारे बिल्कुल यस बहुत आला दो आगे चलो दो आगे टर्न ये बिल्कुल तुम्हारे आगे बॉल है आगे ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड थोड़ा सा आगे नहीं टर्न ये तीन एक और राइट की तरफ सीधा राइट नहीं राइट टर्न करो टाइम खत्म होने वाला है बिल्कुल तुम्हारे नीचे ये बॉल है लेफ्ट पे यस चार एक और आगे टाइम अप दोनों टीम्स ने चार चार स्कोर किया निकल गई हो इसलिए दो पॉइंट जाएंगे कश्मीर के साथ और दो पॉइंट जाएंगे इस्लामाबाद के साथ बहुत आला जी नेक्स्ट गेम जल्दी से कोई टीम किसी को आगे नहीं निकलने दे रही है नेक्स्ट गेम मुझे टॉस चाहिए और देखते हैं कि आज नेक्स्ट गेम क्या है बिलाल आज तुम बैठने के लिए नहीं आयो अगर तुम बैठे आज तुम्हारी टीम बैठी रह जाएगी बिल्कुल, आज बिल्कुल। तुम्हें फ्रंट फुट पे खेलना ही पड़ेगा अगर इस्लामाबाद को आगे लेके जाना है तो तुम्हें आगे आगे खेलना ही पड़ेगा आइए जी बारी आपकी है बताइए छाप चांद टॉस फिर से आप लोग जीते फिर से टॉस आप लोग जीते पहले आप लोग आएंगे आइए कौन आएगा आपकी टीम से आइए जल्दी से आइए ये गेम आप लोग कई बार खेल चुके हैं एक मिनट का टाइम होगा ये अंडों की बास्केट है इसमें आपको बॉल्स जमा करनी है चलिए जी एक मिनट रेडी गो टाइम अप बेहतरीन माशाल्लाह बहुत अंडे आपने 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वेल डन 16 स्कोर किया जी
ये अंडों का कारोबार करना पड़ेगा हमें, है ना? ऐसा ही है। आप अपने चूजों से भी यही कहें। बिल्कुल, मैंने कहा उन चूजों से, मान नहीं रहे हैं, मैं मना रही हूँ उनको। चलिए जी, 17 स्कोर चाहिए शाहबाद ईगल्स को यहाँ 2 पॉइंट जीतने के लिए। आइए जी, मारी जी, आप रेडी है? कहाँ है? लाइए दीजिए बॉल, सर पे लगा। अच्छा, 1 मिनट का टाइम है, स्पीड अप करनी होगी। रेडी गो। कटियां रातां आवे लगियां कई बरसातां, तू भुल गया हर वे मेरा तां अपनियां बातां। मैं नील कराइयां नील काह मेरा तन मन नीलो नी, मैनू हिजर दी सूली चाणिया मेरी इक ना सुनी दली, अज मनसब हो जा सोनिया, अज मनसब हो जा सोनिया, मैं कीता इश्क वकील मैं तेरे पिछे रह गई, दिल जानी मैं तेरे पिछे रह गई, है दिल जानी मैं तेरे पिछे रह गई, है दिल जानी मैं तेरे पिछे रह गई, है दिल जानी। मैं नील बनाया नील काह मेरा दिल मन नीलो नी, मैनू हिजर दी सूली चाणिया मेरी कि ना सुनी दली, अज मंजब हो जा सोनिया, मैं कीता इश्क वकील। टाइम अप। 4, 5, 6, 7, 8 स्कोर किया है और इस तरह ये पॉइंट जीता है कश्मीर हीरोज ने। वेल डन गाइस। बैठ जाओ ना जाके, बस हो गया। लो भाई नेक्स्ट गेम जल्दी से। आइए जी आइए, ये कोई नया गेम आया, कोई वही पेंसिल में क्या करना है हमने। अच्छा जरा बताइए क्या करना है। पहले टॉस हो जाए, पहले टॉस हो जाए। 1, 2 आपकी बारी मारी। कभी नहीं खेली है। बताइए। टेल्स हेड। टॉस आप लोग जीत गए हैं, आपकी टीम से पहले कोई आएगा। ये क्या है बताएंगे? आइए क्या करना है। डबल किए जाएंगे? नहीं, अच्छा ऐड करनी है। मुश्किल हो गया, एक में करके दो को करके फिर दो। मुश्किल है अब, मुश्किल है गेम, मुश्किल हो गया अब, मुश्किल है हो गया। एक उठाइए, कौन आएगा जी आपकी टीम से जल्दी से? आप लोग टॉस आ रहे हैं। नहीं वो डबल, सॉरी कैसे, इधर दोबारा बताओ आगे। एक वक्त में ये सारे एक साथ रखने? एक मिनट करो। उसके बाद क्या करना है? इतना तो हाथ ही नहीं है मेरा, जिसका हाथ जरा बड़ा होगा तो उसके पास तो एडवांटेज है। यही तो गेम है। तो आइए कौन खेलेगा जिसका हाथ बड़ा है? आप क्या कैप्टन आ गए भाई। आइए आइए रेडी, 1 मिनट का टाइम है। इस्लामाबाद ईगल्स ऑल द बेस्ट, रेडी गो। ये बात चमच चमच चमच, बहुत आला। वेल चमच। और कितना और रातों को जागना, भागर जाना। अरे बेहतरीन मारिया जी, बहुत आला। में जाके करना रातों को घड़ी घड़ी। कोई बात है पहुंचना काले हमेशा ले, वो कहना सरकार इसमें से तीन निकाल दीजिए बस, वो तीन निकल गई थी आपसे। ठीक, 4 मेरे ख्याल में, 3 वो 2 और पड़ी हुई उधर ही। अच्छा जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्होंने 9 पेंसिल्स जमा किए हैं। आइए उठानी सारी है आपने और देखना चाहेंगे आखिर में कि कोई गिरती है या नहीं गिरती। 1 मिनट का टाइम है और कश्मीर की तरफ से भी आए हैं उनके कैप्टन, तो इसका मकसद है या तो ये 2 पॉइंट जाएंगे इस्लामाबाद के पास या फिर 2 पॉइंट जाएंगे कश्मीर के पास। रेडी गो। बस यादें जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें जाती हैं। Yeah,
का छोड़े दिया, तुम्हें तो बस नजर आता है जहाँ मैं बेटा मेरा ही खरा। दिल में सोचना करके कुछ सिखा दे तो करना प्लानिंग रोक नहीं आया। लड़कपन का वो पहला प्यार वो लिखना हाथों पे। बहुत आला जी, और ये दो पॉइंट जीते हैं कश्मीर हीरोज के कैप्टन ने कश्मीर के लिए। वाह वाह वाह, नाइन स्टेप। चलिए जी जल्दी से दिखाइए स्कोर कार्ड क्या है इस वक्त। इस्लामाबाद बहुत पीछे जा रहा है, कश्मीर वाले हमेशा की तरह बहुत आगे हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट गेम है उसका नाम है पोटली। उससे पहले मैं स्कोर कार्ड देखना चाहूंगा, दिखाइएगा। जी 5 पॉइंट्स पर है कश्मीर वाले, 2 पॉइंट पर है इस्लामाबाद। ये तो सिर्फ बैठ के तैयार होके, ये तैयार होके आके बैठ जाता है, और इसमें आधा कसूर इनकी टीम का भी है। जिन्होंने तुम्हें चढ़ा दिया, क्या लग रहे हो जबरदस्त। और तुम्हें तुम्हें बकायदा तैयार करके भेजा इन लोगों ने, बताओ क्या। और इसके बाल खराब ना हो, खेलने ही नहीं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसीलिए खेलने ही नहीं आ रहा हूँ। नहीं नहीं खेलने आऊंगा, अभी देखता हूँ तुम कब आते हो खेलने के लिए। चलिए जी, आज की पोटली दोनों टीम्स के लिए बहुत ही अहम है। याद रहे 3 पॉइंट्स का डिफरेंस आ चुका है इस्लामाबाद और कश्मीर के दरमियान। 5 पॉइंट्स पर है इस वक्त कश्मीर हीरोज, 2 पॉइंट्स पर है इस्लामाबाद ईगल्स। आज अगर आप पोटली जीत जाते हैं कश्मीर, तो आप लोगों के हो जाएंगे 8 पॉइंट्स, ये लोग रह जाएंगे 2 पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग जीत जाते हैं तो दोनों टीम्स के स्कोर हो जाएगा बराबर। स्टाइल का कोई पॉइंट नहीं है। ये मैं कल दूंगा गेम के बाद। आप लोगों से हाँ भाई बताइए, आपको बिलाल का हेयर स्टाइल आज कैसा लग रहा है, अभी पता चलना शुरू हो जाएगा। और याद रखिए सोशल मीडिया के 2 पॉइंट्स हैं। आप लोग आज जाग लेना, आज आपके लिए तैयार हो गया है, आज जाग लेना प्लीज। और आज हमको ही वोट्स मिलने चाहिए, 2 पॉइंट्स जो है ना वो बड़े चलो देखते हैं तैयार हो गया है। याद रहे आज के 2 पॉइंट्स बहुत अहम है, आखिर में होंगे। आप लोग जिस टीम को वोट देना चाहें भरपूर वोट कीजिए, ताकि आखिर के 2 पॉइंट्स आपकी फेवरेट टीम को ही जाए। लाइए जी टॉस, कॉइन चाहिए मुझे। और इस गेम के अंदर टॉस बहुत ही अहम होता है। अच्छा जी, 1 2 3 बारी आपकी है, बताइए। हेड्स, टेल्स। जी मारिया जी टॉस, आप लोग जीते हैं। आइए जल्दी से ब्रेक में जाके हमें वोट देना है आप सब। ठीक है ठीक है, आइए जी आइए, ये घर आप लोगों का इंतजार कर रहा है। जी मारिया जी कैसे खुलेगा ये कितने बेल है यहाँ पे, कोई बेल बजा, बेल से खुलता नहीं है ये। जोर से बोल, बाइक का है तुम्हारा, फूंक भी मारो उड़ जाएगा हमारा ये। उड़ जा सिम सिम बोल जा सिम सिम बोल जा सिम सिम, जाइए अपनी पसंद की कोई भी एक पोटली ले आइए। याद रहा है आज के 3 पॉइंट्स बहुत अहम इस्लामाबाद के लिए। इसके बाद तुम्हारी बारी नहीं है, पीछे खड़े हो जाओ, बाइक पर बैठो जाके, तुम हमारी बाइक गिर जाएगी, मत बैठ जाना तुम। जाओ शहजाद आपकी बारी है। आए हाय, देख रही हैं आप, वाह वाह, 3 जाइए जी। भाई देखो जो नेट वाला गेम है ना, जो नेट वाला गेम, बिलाल साहब लेकर आए हैं अपने लिए नंबर 3, नंबर 7 और शहजाद आपका क्या है नंबर 1। आइए जी आइए, बारी आई है कश्मीर हीरोज की। आइए जनाब अपनी मनपसंद 3 पोटलियां ले जाइए। बोल जा सिम सिम बोल बोल जाइए जी। ए 1 by 1 कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, कहाँ जा रहे हो भाई? वो जाएंगे तो लेकर बाहर ही आएंगे, तो फिक्र क्यों कर रहे हो। जाइए मदिया नंबर 8 चेंज करनी है क्या, अब नहीं हो सकती। सोच समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की पोटली। एक दफा बाहर आ गए तो चेंज नहीं कर सकते। हुसैन ऑल द बेस्ट, चलो 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 शाबाश, खोपड़ी उठा लो सामने, सुरख ले आ सुरख, पिंक नंबर 2 आइए जी। किसी की बिलाल कौन सी पोटली लाए हो, 3 नंबर 3 तुम्हारा लकी नंबर तो नहीं है, लकी नंबर पे
बिलीव नहीं रहा मेरा। अब हमने 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 इत्तेफाक कर अब लकी नंबर निकालने लगे इत्तेफाक कर देखे सारे ऑड नंबर्स हमने। हां ये वैसे हैरान 137 तीनों ऑड नंबर्स हैं 137 ना हां ऑड नंबर्स। डिसाइड तो हमने भी ऐसे ही कुछ किया था लेकिन फिर किस्मत में आई हां क्या किया वो अब आपके वो है हमने फिर हम कलर्स पे चले गए। कहाँ चलेगा कलर्स पे गए फेवरेट कलर्स पे चलेगा लेकिन देखिए मैंने कहता हूँ ना इसका दारोमदार टॉस पर है आप टॉस जीत जाते यही नंबर आपके पास भी आ सकते हैं। मुताबिक लिया है ना हाँ जी येलो शूज येलो पोटी लड़की है तो मैच करेगी साथ मदिहा ने अपने शूज के हिसाब से लिया ना येलो कलर जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी शुरू करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट पोटली। हुसैन लास्ट टाइम क्या हुआ था तुम्हारी पोटली में 3 लाख निकले थे हाँ जी और माइनस 5 लाख तुम्हारे पोटली में निकले थे। चलिए 4 लाख थे माइनस। चलिए दुआ कीजिए कि आज माइनस में अमाउंट ना निकले। लेकर आइए काशिफ हुसैन की पोटली सबसे पहले पोटली नंबर 2 लाइए जी। मैं जल्दी से ओपन करता हूँ ये पोटली नंबर 2। अब पता नहीं इसको ये नंबर पसंद है या ये कलर पसंद आ गया है। हुसैन पहली पोटली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टीम को आगे ले जाने के लिए या पीछे कर देने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम आगे लेके चले गए हो टीम को या टीम कहीं पीछे रह गई है? कुछ भी आइडिया नहीं ऐसे ही गैस करो सब गैस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आगे ले गए हो क्या आगे जाएगा टीम को आगे लेके चले गए हैं ये इस पोल्ट्री में कोई बड़ा अमाउंट है ये सोच रहे हैं अभी ये। बिलाल तुम्हें क्या लगता है? मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि हुसैन की पोटली में जो निकले वो हमारे लिए अच्छा हो। वाह 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 क्या शायरी बात गहरी बात क्या दुआ की आप देखिए क्या दुआ की आपने यानी कि बात बात में बद्दुआ भी हो गई और दुआ भी दे दी है ना जी। नहीं नहीं बद्दुआ नहीं दी होप्स अच्छा ही होगा। उसे कहते हैं डीप डीप गहरी बात की है भाई ने पहली बार जिंदगी में। अच्छे कह रहे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो रेडियो शोज आते ना गौर से सुनते हैं ये उस पे ऐसी गहरी बात होती है चांद बातें कर रहा है हवा की सरगोशी कुछ कहेगी। अच्छा जी मदिया क्या लग रहा है पोटली में क्या है और बाहर हब प्लस में गर्मी प्लस में कुछ। चलिए आप कह रही हैं तो शायद ऐसा हो। शाहताज क्या लग रहा है आपको? कुछ अच्छा ही होगा लास्ट टाइम बुरा सोचा था तो हमारे साथ ही बुरा हुआ। नहीं उसका तो प्लस में ही निकला था उसका तो प्लस 2 निकला था। नहीं प्लस में अमाउंट निकला था ना मदिया के माइनस 4 निकले थे। आज क्या क्या लगता है तुम्हें? माइनस इसमें ना हो कुछ अच्छा होगा कुछ अच्छा होगा। चलिए भाई मैं जल्दी से बताता हूँ कि ये पोटली नंबर 2 कोई खुशखबरी लेकर आई है टीम कश्मीर हीरोज के लिए या बुरी खबर है गाइस? है तो अच्छी खबर या उनके लिए या हमारे लिए? हाँ ये तो है किसी एक के लिए अच्छी खबर है। असल में जो पहली पोटली होती है ना इस पोटली में अगर किसी के माइनस 8 लाख या माइनस 9 लाख निकल आए तो फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर दो पोटली में बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर पहली पोटली में निकल आए 7 लाख रुपए तो जो दूसरी टीम होती है ना उस पर बड़ा प्रेशर पड़ जाता है। 7 लाख तो निकले लेकिन माइक में 7 लाख तो निकले इनके मैंने अभी बोला अगर माइनस में निकले तो उन लोगों को परेशानी होगी अगर प्लस में निकल गए तो तुम्हें परेशानी होगी। तुमने भी यही दुआ दी थी ना तो ये दुआ उल्टी भी हो सकती है इसलिए कहते हैं कि किसी के बारे में अच्छा सोचो। और हुसैन आप लेकर आए पोटली नंबर 2 कश्मीर हीरोज के लिए और ये पोटली ज्यादा अच्छी नहीं रही 1 लाख रुपए निकले हैं प्लस में लेकिन उससे बेहतर है कि माइनस 8 लाख या माइनस 9 लाख नहीं निकले। कल क्वेटा के मीर के निकले थे माइनस 8 लाख वहीं सिदरा के निकले माइनस 9 लाख तो एक ही टीम ने उन्होंने जो एंड अप किया था वो किया था अराउंड माइनस 7 लाख पे या माइनस 8 लाख पे उनका ग्रैंड टोटल था। बस दुआ करो यहाँ तक कहानी ना पहुँचे। जी बिलाल साहब तैयार होकर है अच्छे से बाल बनाकर मदिहा के क्लिप लगाकर आप आए हैं आज वो ये भी चेक करो ना मैं वही कह रहा हूँ एयरिंग यार एयरिंग व्हाट यस इट्स एयरिंग ये तुमने एयरिंग लगाई हुई यहाँ पर स्टाइल है ना आज स्पेशल अपने ऑडियंस के लिए तैयार हो क्या ये किसने बताया तुम्हें स्टाइल ये वाला बेटे ये बताना ये बस मेरे ज़हन में अचानक से चीजें आती हैं ये चीज अच्छा ये जनरली तुम्हारे ज़हन में चीजें आती हैं ये हाँ बाल तुमने किसे यहाँ पे मेकअप करने बनाया
कलर भी करवा रहे थे रेड कलर, फैशन आइकॉन हो सकती हो तुम वैसे। तो उन्होंने ये आईडिया दिया कि तुम्हारा आईडिया नहीं दिया, इनकी बाली मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने कहा दे दे। हाय हाय हाय, सुना आपने राइया, क्या इन्होंने लाइव आके बताया ये बात बाल गई है, आपकी बाली अच्छी लग गई है इनको, वा, वा, वा। है? और इन्होंने आपके सामने यह पेन भी ली है, देखे तो सही कैसे नहीं, लेकिन अगर बाली इनकी अच्छी लग गई तो फिर तुबा का क्या हुआ, उसकी भी बाली रखी है तुबा मेरा। अरे भाई आपने साफ साफ बोला था, प्रपोज किया है, खुद ही आपने मानी थी ये बात, कि वो जो है ना लड़ाई में वो प्यार नजर आ रहा उससे, था उससे हाँ। आप आपने सारे हमारे कर दी। क्या? शक्ति वाली नजरों से सारे देख रहे ड्रामे ऐसे नहीं होते हमारे, नफरत है मुझे तुमसे बहुत आला लाइए जी बिलाल की पोटली, पोटली नंबर 3। अब पता नहीं ये खुद लाए हैं या किसी ने सजेशन दिया है नहीं कि 3 नंबर पोटली ले आना। भाई बिलाल साहब आपको क्या लगता है पोटली नंबर 3 में क्या हो सकता है? पिछली बार भी यही पोटली लाया था लेकिन अच्छा नहीं निकला, क्या निकला था? माइनस 2 लाख, माइनस 2 लाख मुझे याद है, देखा लेकिन मैंने कहा चांस लो क्योंकि आज के बदली होंगी पोटली और नंबर्स बदले होंगे तो उसमें दोबारा शायद माइनस ना हो। अच्छा सोचते हो तुम, चलिए जी मैं देखता हूँ इनकी साइंस जो है उसने काम किया है या फिर काम दिखाया है काम कम पा देता मुख्तार कम पे गया है। मैं सोच रहा हूँ ये इतने गौर से चीजें सोच रहा होगा कि इसमें 3 निकला तो मेरे माइनस 2 थे तो कल वाली पोटली में नहीं आज दोबारा से, क्यों थक रहे हो क्यों थक रहे थे तुम? अरे भाई ये 3 नंबर लाने को किसने कहा तुम्हें? -8 लाख, -9 लाख और -10 लाख अभी तक नहीं निकला था, 1 लाख प्लस में निकला है हुसैन का। वहां जाके ना सारे माइनस की परिगति लाइन डाल के प्लस करते हैं सबको टेंशन। हाँ लेकिन वो जो अंदर माइनस है या प्लस है वो चेंज नहीं हो सके इससे। खैर बिलाल साहब आप अपनी किस्मत आजमाने गए गार के अंदर और लेकर आए पोटली नंबर 3। आपके पास चांस था, 7 पोटलियां थी पूरी चूज करने के लिए, लेकिन आप फिर भी 3 नंबर ले आए। आज आपकी टीम का जीतना बहुत जरूरी है अगर आपने आगे प्रोसीड करना है, वरना तो बिगड़ जाइएगा। वैसे ये बात भी है लेकिन हो सकता है यहाँ से ये जाग जाए, हो सकता है यहाँ से जाग जाए ये। आज प्यारा बहुत लग रहा है। हाँ आज तो स्मार्ट लग रहा है ये बिलाल। ओ शर्मा क्यों रहे हो तुम, ब्लश कर रहा है, माय गॉड ब्लश कर रहा है यार ये आदमी, बताओ जरा देख रही है आप, और बार बार ये कन नहीं कन अखियों से देख रहा है मदिया को, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं देख रहा मैं किसी की तरह, इनकी क्रश है मतलब इस तरह है। वाह वाह वाह, बोला था ये बदला ले, ये बोला नहीं कहा था इसकी नजरें यार अपनी टीम मेंबर तो तूबा पे कितनी टीम मेंबर मदिया, ये आदमी इसका हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई क्रश बन जाता है। नहीं 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 मैं उसके बाद क्रश कर देता है, ये लाइव आके क्रश करते हैं उसको तूबा को जैसे करता है। अब कौन तूबा मैं तो जानता ही नहीं, एक वक्त में प्यार था आपको पता नहीं, आज रेडी होके बैठा आज मदिया और मदिया है। मदिया ख्याल रखना, लेकिन मदिया मुझे यकीन नहीं आया कि तुमने अपनी बाली से दे दिया। आज वेट भी कर रहा था, 3 बजे से आया, 3 बजे से आए हो तुम? नहीं आई, बार बार कब आएगी मदिया, कब आएगी? अच्छा ये पूछ रहा था तुम्हारे दिल में कोई भी बात नहीं है, मेरी छोटी बहन हो, छोटी बहन बना लिया फौरन। अच्छा बिलाल बहन की बाली पहन के रहा है फिर आज, हाँ बहन की बाली, चलो जी चलो ये सही है, बिलाल ने क्लियर कर दिया। लेकिन बिलाल जो कुछ तुमने क्लियर किया उसका फायदा यहाँ नहीं हुआ तुम्हें, छोटी बहनों की तरह है, है नहीं हाँ की तरह, अच्छा की तरह है, अच्छा चलो जी ये बहन भाई का प्यार इसी तरह कायम रहे। लेकिन बिलाल तुम्हें आज मौका मिला था 7 में से कोई एक पोटली लाने का, अंधेरा था, इस्लामाबाद ईगल्स की किस्मत बदल देता। इसने बदल दी है वैसे हमारी किस्मत, पता नहीं किसकी बदली है, इस्लामाबाद की बदल दी है, कश्मीर वालों की बदल गई है। मैंने कहा तुम्हें कि अगर पहला अमाउंट माइनस में निकला है और बड़ा अमाउंट माइनस में निकला है तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिलाल, लेकिन ये गेम ऐसा है इसमें कितनी भी मेहनत कर ली जाए कोई फायदा नहीं होता, आपकी किस्मत को आपके साथ होना चाहिए और बिलाल आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। 4 लाख रुपए प्लस में, ओह 4 लाख रुपए निकले हैं बिलाल की पोटली से प्लस में।
स्कोर हो गया जी अभी तक का टोटल 4 लाख इस्लामाबाद, 1 लाख रुपए कश्मीर। मुझे लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आया है। अच्छा लगा मुझे। नहीं, तुम क्या 10-15 लाख सोच रहे थे आज? 4 लाख ही सोच रहे थे तुम। शुक्र करो -2 से 4 लाख पे आ गए, 6 लाख का तुम्हें फायदा हुआ। सही है, और तुम्हारी टीम को सबसे बढ़ के तुम्हारी टीम को फायदा हुआ तुमसे। चलिए, 4 लाख रुपए हो गए हैं जी इस्लामाबाद ईगल्स के अकाउंट में, और इसी तरह 1 लाख रुपए जमा हुए हैं कश्मीर हीरोज के अकाउंट में। आज अपनी बाली बना दी है इन्होंने बिलाल को, मदिया जी ने। लाओ जी मदिया जी की तरह पोटली तो लेकर आओ। नंबर 5 येलो कलर की पोटली, मदिया जी येलो कलर के शूज पहनी है, उसको मैच करते हुए अपनी पोटली लेकर आई है। मदिया जी क्या सोच के लाई है पोटली आप? मैच कर रहे हैं बस, मैच बस, सिर्फ ये बात थी। 5 नंबर लकी नंबर तो नहीं है आपका? ओके, अच्छा जी। हुसैन क्या लग रहा है तुम्हें आज? आज प्लस में अमाउंट है इसका, इंशाल्लाह। पक्की बात है? इंशाल्लाह। वैसे तो तुम बोलते हो तुमने ये कर दिया वो कर दिया, अभी प्लस में अमाउंट है। चलिए, अच्छा जी, यहाँ शाहताज प्लस में होगा। आज तुम बड़ा सेफ खेल रही हो, क्या बात है। उस दिन तुम बोल रही थी माइनस, वहां से निकलता माइनस। आमद हो रही थी ना, अब नहीं हो रही। आज आमद नहीं हो रही है तुम्हें, आज जीतना है ना इसलिए। चलिए, हाँ जी, अच्छा होगा। हाँ, वैसे आज हुसैन और मदिया भाई बहन लग रहे, दोनों के स्नीकर्स एक जैसे लग, बिल्कुल येलो येलो हो सकता है, इसीलिए तुम लोग की येलो पोटली जो है आज तुम्हारे लिए लकी भी हो या फिर अनलकी हो जाए। मैं जल्दी से खोल के तुम लोगों को बताता हूँ ये 5 नंबर येलो कलर की पोटली आज कश्मीर के लिए कितनी लकी या अनलकी है। जनाब बिलाल की नजरें पोटली से ज्यादा मदिया पर, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे नहीं, बार बार तुम्हारा क्लोज बनता है इस कैमरे से, ये वाला कैमरा तुम्हें देख रहे हैं और बार बार तुम्हारी आंखों को दिखा रहा है कि तुम कहाँ देख रहे हो। खैर, मैं नहीं देख रहा कहीं भी। अच्छा चलो, अच्छा नहीं देख रहे, तुम अच्छा सोचना चाहते हो ना। क्या है 5 नंबर पोटली में बताओ, बताओ बताओ। का साथ दोगे या अपने क्रश का? हाँ, अच्छा नहीं होगा। क्या टीम के लिए या तुम्हारे क्रश के लिए? उनके क्रश के लिए। ओ क्रश के लिए, सुन लो क्रश हो जाएगा। क्रश मेरी छोटी बहन की पोटली में अच्छा नहीं होगा। अभी बोला क्रश के लिए, छोटी बहन की पोटली में अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी छोटी बहन खेली नहीं रही यहाँ पर, है ही नहीं तो छोटी बहन लड़के देख रही हो। ये है ना छोटी बहन मेरी, छोटी बहनों जैसी है, छोटी बहन है, छोटा भाई है, भाई है तुम्हारा। अच्छा, असल में इन्होंने छोटी बहन उसको इसलिए बनाया है लाइव क्योंकि तुबा भी ये प्रोग्राम देख रही होगी। नहीं नहीं, ताल्लुक ही नहीं है मेरा किसी लड़की से, कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो किससे है फिर? किसी अपने आप से ताल्लुक है बस। वाह वाह वाह, इसका ताल्लुक सिर्फ पैसों से। ये चाहता है ये बात अपने अच्छी की, यही बात है ना, यही सेफ है। दिमाग पड़ गया उसका, मैं ये सिर्फ करोड़ रुपए के पीछे, चैंपियंस के करोड़ रुपए भी जीत जाए, हमारा भी सबसे बड़ा इनाम ये जीत जाए, बैठे बैठे मेहनत ना करनी पड़े से, ये आदमी है ये। इसको किसी ने बताया कि तूबा बहुत मालदार है? नहीं, ये सोचता है पैसे आएंगे तो लड़की आएगी ना। बहुत आला। अच्छा बिलाल, मदिया आपकी छोटी बहन है तो ये शाहताज आपकी बड़ी बहन है? शाहताज बड़ी या छोटी, कौन सी बहन है ये? छोटी बहन है बिलाल, पहले शाहताज। आप सबसे बड़े? नहीं, मैं भी छोटा ही हूँ भाई। आज से आप लोग बिलाल भाई कहेंगे, छोटे छोटे बहन भाई हैं आपके लिए। बिलाल भाई हैं ये, सही है बिलाल भाई? बिलाल सोच लो फिर, बैकस्टेज क्या बोल रहे? या तो बिलाल भाई कहते, या अगर ज्यादा प्यार, देखिए ज्यादा प्यार है ना, दिल में समझा जाता है, जरूर नहीं किसी को भाई बोल दिया तो वो भाई ही कहलाए। नहीं नहीं, मुझे नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं बोलेंगे भाई आपको, बैकस्टेज पे कुछ और होता है। मैं तो कह रहा हूँ जिसने इनको भाई बोलना है प्लीज बिलाल भाई बोला करे, बस अब सही है। कह रहा नहीं, बस अंग्रेजी उर्दू का फर्क पता होना चाहिए। अच्छा जी, जितने कंटेस्टेंट थे चैंपियंस के, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बिलाल भाई को विश कर दीजिए। आपकी टीम जो थी चैंपियंस की, अच्छा, सब बोल रहे हैं बिलाल भाई बिलाल भाई बिलाल भाई, सारी लड़कियां तूबा है, तूबा भी बोल रही है। हाँ, तूबा तो बहन है मेरी। अरे तूबा को बहन बना लिया भाई, ये बहुत आला। किसी और पे, इसकी अब नजर किसी और पर है, इसकी नजर सिर्फ पैसों पर है, किसी पैसों पर है, ये अच्छी बात की। मालदार हसीना मिल गई है। आइए जी, मालदार हसीना से याद आया मुझे कि आज ये जो यहाँ हसीना बैठी है, इनकी पोटली को मालदार होना बहुत जरूरी था। याद रहे लास्ट टाइम आपकी पोटली में -4 लाख रुपए निकले थे। मदिया, ये 5 नंबर पोटली आप कश्मीर के लिए लेकर आई हैं, क्या सोच के लाई? गलती कर दी क्या? पता नहीं, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में कि गलती की है या नहीं की है।
लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बड़ा अमाउंट आएगा इस बार आप लोगों के पास से। बड़ा अमाउंट आता तो फिर खेलने में ज़्यादा मज़ा आता। आप ले आई नहीं माइनस नहीं कह रहा मैं, आप ले आई कुछ भी, पकौड़े भी हो सकते हैं, अभी वो भी नहीं निकले, फ्रूट सैलेड भी हो सकता है, वो भी नहीं निकला, बैट भी नहीं निकला, ठेंगा भी नहीं निकला, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं अभी। लेकिन यहाँ 4 लाख रुपए निकले थे, बिलाल की पोटली से निकले 4 लाख रुपए, हुसैन की पोटली से निकले 1 लाख रुपए, वही मदिहा जी आपकी पोटली रह गई पीछे, और आपकी पोटली से निकले माइनस नहीं प्लस 3 लाख। वाह चार हो गए, वाह वाह वाह, 3 लाख प्लस में गाइस, 3 और 1 4 लाख जमा कर लिए हैं 2 पोटलियों में कश्मीर ने। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका अमाउंट अभी तक प्लस में है, कोई माइनस नहीं निकला, यहीं से निकला। यहाँ एक पोटली खोली गई है बिलाल की, उसमें 4 लाख रुपए निकले हैं। बारी आई है लाल पोटली लाल की, खतरनाक खतरनाक खतरे की अलामत लेकर आई है जी। अंदर जो है ना, क्या बॉल है इसके अंदर, मुझे लग रहा है कोई अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट है, माइनस में या प्लस में पता नहीं। चलिए लेकिन शाताज जो 1 नंबर लेकर आई, आज आप ये फर्स्ट टाइम लेकर आए हो, फर्स्ट टाइम 1 नंबर कभी ट्राई नहीं किया ना, चलो ये अच्छा किया तुमने, ये तुमने अच्छा किया, क्योंकि रोज नई नए नंबर्स ट्राई करने चाहिए, रोज नई नई पोटलियां लेकर आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हर रोज आदमी का एक ही लकी नंबर नहीं होता है, बिलाल समझ गए होगे ना, तो जिंदगी में चेंज होना, कोई तो जिंदगी में चेंज होना ही चाहिए, जिंदगी ज्यादा चेंज कर देनी चाहिए, नहीं वो हम कर नहीं सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन जिंदगी के दिन आप चेंज जरूर कर सकते हैं। बिलाल की जिंदगी में बहुत रंगीनी है, देखे ना आज रंगीनी देखे माशाल्लाह जबरदस्त आज। अच्छा ये तुम्हें ये जो स्टाइल है ये तुमने कहाँ देखा, कैसे तुम्हें लगा कि मुझे ये स्टाइल बनाना चाहिए? देवदास स्टाइल लग रहा है दिमाग में है, वो मैंने नहीं, दिमाग में आने के लिए भी कुछ सोचा होगा ना तुमने, बस ऐसे ही बस। देवदास के अब्बू यहाँ पे एक शॉल यूं रखेंगे कंधे के ऊपर, अच्छा अच्छा आ गया, अब भी तुम्हें उठा के ले जाएंगे बता रहे हूँ, फिर ना कहना हमसे दानिश भाई बचा लो है, गाना 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 तैयार रखें, अच्छा सा। अच्छा जी 1 नंबर पोटली लेकर आई शाताज टीम इस्लामाबाद ईगल्स के लिए, आज एक बड़ा अमाउंट निकलना ड्यू था। लास्ट टाइम क्या निकला था? 4 लाख। आज 4 लाख वहां निकला है। लास्ट टाइम बिलाल का क्या निकला था? ये क्या हुआ आज? इनका ऑप्शन अच्छा होगा। उस दिन भी ये हुआ था -4 प्लस में निकले थे, -2 प्लस। ये हो सकता है ना आज स्वाप हो गया हो, नंबर सीधा से उधर चले गए हो भाई। 4 लाख तुम्हारे प्लस में निकला है, -2 लाख लास्ट टाइम निकले थे, अगर -2 लाख में निकल आए तो तुम लोग चले जाओगे 2 लाख पे, 4 लाख पे वो लोग जीत रहे होंगे। इस्लामाबाद ईगल्स को आज जीतना जरूरी है, और स्पेसिफिकली ये गेम जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों के 2 पॉइंट्स हैं, ये गेम जीत के आपके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, वरना 8 और 2 पॉइंट्स रह जाएंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा गाइस। चलिए इसी नोट के ऊपर मैं जल्दी से ब्लड प्रेशर हाई कराने में और हार्ट अटैक कराने में आप चैंपियन बन जाएंगे। चैंपियन तो बराबर बैठा है, चैंपियन तो बराबर में बैठा है भाई। देखिए ये हमारे गेम का, ये हमारी लीग का फॉर्मेट था, हम जहां ऑडियंस को इतना एंटरटेन कर रहे होते हैं वहां थोड़ी सी नोक झोंक तो चलती है ना हमारी टीम्स के साथ, और फिर आप तो हमारी बोल फैमिली का हिस्सा है, आप भी हिस्सा है, ये भी हमारी बोल फैमिली का हिस्सा होने वाले हैं। सजदूत सबसे पहले होना चाहिए, नहीं हरगिज भी नहीं, हरगिज भी आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है हमेशा से हमारी जी। अच्छा जी लेकिन जो 1 नंबर आपकी टीम लेकर आई है ना शाताज, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आपकी टीम को जरूरत थी एक बड़े अमाउंट की शाताज, आप के अंदर जो है ना अंदर चूहे भी हैं, ये देखें आपका 8 को 3 बनाने की कोशिश की है लेकिन ये 8 भाई वहां पर कोई दवाई हुआ अंदर, कोई नहीं 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 अंदर चेक करें चीनी की या वीट की गंदम की बोरियां तो नहीं पड़ी है, ऐसे ही कुछ है। अच्छा लेकिन चूहे तो हमारे नहीं हो सकते हैं, हाँ ये है कि ये किसी ने मिटाने की खुद से कोशिश की हो तो अलग बात है, वो अलग है ना जी, ऐसे ही। चलिए 1 नंबर शाताज लेकर आई, मैं जल्दी से बताता हूँ इस 1 नंबर पोटली में कोई 1 नंबर इनाम तुम्हारा निकला है शाताज इस्लामाबाद के लिए या नहीं बेटे। 4 लाख रुपए बिलाल लेकर आए थे इस्लामाबाद ईगल्स के लिए, ओहो शाताज की किस्मत, हाँ जी बैठे बैठे कमाता है यार, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोग बैठाने के पैसे देते हैं। अच्छा जी लेकिन
इस गेम को जीतने के लिए किस्मत की बहुत जरूरत है और अभी तक मेरे हिसाब से दोनों टीम्स में से किसी की भी किस्मत उस तरह नहीं जाएगी है। सिर्फ 2 लाख रुपए, कितने? 2 लाख प्लस, 2 लाख, 2 लाख, 4 और 2 6, और वहीं पर कश्मीर हीरोज का टोटल है 3 और 1 4, 4 लाख पे आप हैं, 6 लाख पे है इस्लामाबाद। ये 2 लाख रुपए आपसे ज्यादा है, लेकिन अभी फिलहाल अब जिम्मेदारी है दोनों कैप्टन के कंधों पे। आप लोग जो पोटली लेकर आए हैं, लाइए जी, सबसे पहले मुस्तफा चौधरी की पोटली लेकर आइए, पोटली नंबर 8, जिसको इन्होंने 3 नंबर बना दिया है। लाइए, 3 नहीं 6 बन गया ये कुछ अजीब सा 6 बना है, ये कुछ कोशिश की गई है ना, 3 बनाने की कोशिश में ही मेरे ख्याल में पकड़ाई हुई है। अच्छा जी, मुस्तफा आज से पहले आप 8 नंबर लेकर आए हैं पोटली? कभी नहीं, कभी नहीं। चलिए, बहुत प्यारा लग रहा था ये मुझे, ये ब्लू अच्छा कलर आपको पसंद आया इसलिए लेकर आए। अच्छा, अट्रैक्ट 8 नंबर से कोई सरोकार नहीं है? नहीं नहीं, चलिए, इनको ये कलर पसंद आया इसलिए ये ब्लू कलर की पोटली लेकर आए। अब मैं इसमें देखकर बताऊंगा कि निकला क्या है। अच्छा जी, ये भी हो सकता है। अरे अरे, नहीं नहीं है ही नहीं कुछ, क्या वाकई नहीं है? नहीं है, अरे वाकई नहीं है कुछ। जीरो? नहीं नहीं, मैं दोबारा जाएंगे लेने भाई। हाँ, जीरो, वाकई कुछ नहीं है यार, यानी कि डक भी नहीं है यार। ये पोटलियां खाली भी हो सकती है क्या? चेक करें, बिछड़ना हो क्या? ना हो गया, कुछ होगा, थोड़ा सा कुछ शायद निकला। ये किसी ने इसके साथ कुछ हरकत करने की कोशिश की गई है, जहां ये 8 नंबर को डैमेज किया गया है, तो जो अंदर कार्ड था उसको भी बाकायदा डैमेज किया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन पता नहीं किसी कैमरे ने पकड़ा है। मुझे मिली थी, मैं ले आया। वैसी ले आए आप? ऐसी। तो फिर तो बाकायदा किसी ने डैमेज किया है। खाली बोर्ड? नहीं, खाली नहीं है, इसमें जो कुछ है उसको डैमेज किया गया है, लेकिन वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन अगर मैंने किया हो तो नहीं, इतने सारे कैमरे लगे। मैं वो अमाउंट जो है वो मैं पढ़ तो सकता हूँ कितना है। अच्छा, वो नहीं बटा? वो नहीं बटा है इत्तेफाक से। और असल में हुआ पता है, मुझे लग रहा है वो मेरे यहाँ से गिरी, में उठाने के लिए जैसे ही गया ना, पैर आ गया ऊपर, तो उससे वो इतना डैमेज हो गया है कि अंदर जो था वो नजर ही नहीं आ रहा था। आगे उसकी मर्जी, जितना उसकी बॉल बना दी गई थी जो अंदर एक ये कार्ड था, क्यू कार्ड, लेकिन फिर भी मैंने उसको सीधा किया है और कुछ पढ़ने के काबिल बनाया है। अब मुझे नहीं पता वो यहाँ से हुआ है या फिर किसी और ने किया, अल्लाह जानता है भाई। हम ये जानते हैं कि 8 नंबर पोटली लेकर आए थे मुस्तफा चौधरी कश्मीर हीरोज, लेकिन आप लिए। वो दिखाएंगे भी। और आज उसकी हालत दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। और आज इनके पास पूरा मौका था कश्मीर हीरोज की तरफ से हीरो बनने का। मुझे लग रहा है वो क्लास में नहीं, वो कॉपी थोड़ी सी खाते रहते हैं, फिर वो आप उसकी टेंशन न करें, वो मैंने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ लिया, आप टेंशन न लें उसकी, वो मेरी समझ में भी आ गया कितना अमाउंट है। टेंशन भी आपको होनी चाहिए कश्मीर की, के कश्मीर थे, कश्मीर वालों को आज जरूरत थी एक बहुत बड़े अमाउंट की, जो आपको इस 4 लाख से कम अज कम 10 लाख पे तो ले जाता, लेकिन अगर माइनस 8 लाख निकल आए हैं तो ये 4 लाख भी जाया हो जाएंगे और माइनस 4 लाख का कर्जा भी चढ़ जाएगा। नहीं जीतेंगे फिर भी, नहीं फिर भी कहानी जाएगी मारिया जी की पोटली पर। चलिए जल्दी से पोटली नंबर 8 में जो ये कार्ड बेचारा डैमेज हो चुका है, बहुत बुरी तरीके से हुआ है, लेकिन समझ में फिर भी आ रहा है कि ये क्या है, मैं छुपा लूँ कि ये क्या है। ऐसा ना हो ना, आप लोग पढ़ लें, आपको वैसे ही शौक लग जाए। जिस हालत में भी है। जी जी जी, ये निकल गया और ओए, पास ओए, ओए, ओए। आप लोग जरा जरा क्लोज बनाइए इसका, बकायदा ये डैमेज किया गया है इस कार्ड के साथ। ये असल में ये कार्ड या तो पहले देख लिया गया, उसके बाद इतना गुस्सा आया इस कार्ड के ऊपर, हो सकता है इसमें कसूर आपका हो, आपने जो बातें की ना डर के ये हो गया ये। लेकिन उसके लिए तो फिर आपका बुरा अमाउंट निकलना जरूरी था, आपका तो प्लस में अमाउंट निकला। नहीं, वो बातों की तरफ ध्यान होना, तो वो बातें भी ऐसी नहीं की मैंने, तो दोनों टीम्स का प्लस में अमाउंट निकल रहा है, 4 लाख इनका है सिर्फ, 6 लाख, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था। ये मुझे लग रहा है जहन में कुछ और चल रहा है आपके, ऐसा तो नहीं है? टेंशन चल रही थी, हो सकता टेंशन है ना, हो सकता ये टेंशन में हो गया जो कुछ हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ ये टेंशन में इन्होंने कार्ड के साथ जो कुछ किया है, उससे कार्ड नाराज हो गया है उससे, बिल्कुल ही
उसे कार्ड नाराज हो ना हो, कश्मीर वाले जरूर नाराज हो गए होंगे। क्या? -3 लाख। माइनस ही पड़ गया था साइन। ये लगता है इन्होंने देख लिया था तभी ये किया। ये अब पता नहीं भाई। नहीं, -3 लाख। बहुत कुछ मशकूक किस्म की हरकत, बहुत मशकूक हरकत हुई है वैसे ही। अच्छा जी, -3 लाख के साथ, चूहे का खाया हुआ। -3 लाख के बाद अब कश्मीर का ग्रैंड टोटल हो गया है सिर्फ 1 लाख रुपए। जो 3 लाख आप लाई थी वो जाया हो गए। सिर्फ हुसैन के 1 लाख रुपए बचे हैं, वही आपका ग्रैंड टोटल है। लेकिन यहाँ पर भी अमाउंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 6 लाख रुपए है। अब कहानी आ गई है मारिया जी की पोटली पर। लेकर आइए जी मारिया जी की पोटली और देखते हैं हम कि पोटली नंबर 7 में आज क्या निकला है। जल्दी से माइनस में बसता। बस दुआ कीजिए कि माइनस में ना निकले। चलो दुआ, जीरो भी निकल जाए, जीरो भी निकल जाए तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए। बिलाल साहब, मैं अभी ओपन नहीं कर रहा, बताइए 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर में होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि पिछले जो 2-3 गेम मुझे अमाउंट बताओ। अमाउंट का तो कुछ आइडिया, ऐसी गेस करो, मुझे पता है तुम्हें नहीं बताओगे। 8 लाख प्लस में आई थिंक। 8 लाख या उससे ज्यादा होगी, सही है? बस माइनस में, प्लस में ही है अमाउंट। कितना? 7 to 8, 7 plus, राइट? चलिए मदिया, कितना अमाउंट होगा? वो तो हम पता है तुम ये चाहती हो, लेकिन होगा कितना? -10 लाख। ओके हुसैन, -7 बोल देता हूँ फिर मैं। -7, ठीक है। एक प्लेयर चाहता है -10। प्लस में होंगे, आप कह रहे हैं प्लस में। प्लस, चलिए देखते हैं प्लस में है या नहीं है। 6 लाख रुपए पे है इस्लामाबाद ईगल्स, 1 लाख रुपए पे है कश्मीर हीरोज। 3 पॉइंट्स का गेम है आज के, ये 3 पॉइंट्स बहुत ही क्रूशियल है दोनों टीम्स के लिए। मैं जल्दी से देखता हूं मारिया जी की पोटली और माइनस में। मारिया जी सबसे पहले गई थी गार में, इनके पास सबसे ज्यादा ऑप्शंस थे पोटली को चूज करने के। 9 पोटलियां पूरी रखी हुई थी, उसमें मारिया जी लेकर आई नंबर 7। मारिया जी क्यों लाई नंबर 7 आप? वैसे ही वजह क्या थी? ये ब्राउन कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा, वजह आप थे? नहीं, ये मैं इनके बारे में इतना सोच रही थी कि बस जो इनका कलर जो है वो, तो इनका क्या काम 7 नंबर से? 7 नंबर तो इनका लकी भी नहीं। आपका लकी नंबर क्या है? पता है ही नहीं कोई। 7 नंबर हो तो 7 नंबर की बस तो होती है, कोई कहीं जाती है? हाँ, सुना है मैंने, होती है, बिल्कुल होती है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैंने बस पोटली उठा ली। चलिए, हाँ, आपने कहाँ दिमाग, हर चीज किस्मत पे छोड़ दी। हाँ, लेकिन देखिए मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन ओवरऑल 1, 3, 7 ऑड नंबर्स हैं जो कि लकी भी होते हैं कभी-कभी। अभी तक बड़े लकी हैं आपके लिए, तो बस अगर ओवरऑल ठीक रिजल्ट है तो बस ठीक है फिर। चलिए फिर जल्दी से मैं रिजल्ट बता ही देता हूं आप लोगों को। गाइस, 1 लाख रुपए पे थे कश्मीर हीरोज, 6 लाख रुपए पे हैं इस्लामाबाद ईगल्स। माइनस का अमाउंट नहीं निकलना था आज, हाय बस। और एक माइनस का अमाउंट निकला -3 लाख, जो कश्मीर हीरोज के कैप्टन मुस्तफा चौधरी की पोटली से निकला। और दूसरा माइनस जो कि आज नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि अगर ये माइनस निकल गया है तो ये माइनस इतना बड़ा है कि आप लोग ये गेम हार जाएंगे। -3 लाख के बाद दूसरा माइनस सबसे बड़ा है, -8 लाख रुपए। यानी कि -8 लाख ही बचा है अभी। अब -8 लाख और -9 लाख भी बचा हुआ है मारिया जी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोटली है जो मैं खोलने लगा हूं, क्योंकि वो डिसाइड करेगी कि आज के 3 पॉइंट्स किस टीम के साथ जाने वाले हैं। किस्मत आज कश्मीर के साथ नहीं थी, 3 लाख रुपए इस्लामाबाद ईगल्स। जीत गए भाई, 3 लाख रुपए, 3 और 6, 9 लाख रुपए जमा किए इस्लामाबाद ईगल्स से। टोटल 1 लाख रुपए टोटल जमा किए कश्मीर हीरोज ने। इस तरह ये 3 पॉइंट जाएंगे इस्लामाबाद ईगल्स के साथ। आइए चलो, ये मेरे ख्याल में बोली जाले हटा रहे होते हैं। ये एक म्यूजिशियन है जिनका नाम है यानी, वो
चारों तरफ जो उनके पियानोज और कीबोर्ड लगे होते ना, ये वो हर जगह ये है। यानी के यानी के यानी के बेहतरीन। लाइए जी नेक्स्ट गेम जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। ओ ये कल वाला गेम है जो नया गेम था। गाइस 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 ये गेम आप दोनों टीम्स के लिए नया गेम है, जरा गौर से देख लीजिएगा। बिलाल साहब जरा गौर से देखिएगा, मारिया जी ये गेम नया गेम है, जरा गौर से देखिएगा। बारी है तो कुछ और ही आ गया आपकी। नहीं आप हारे थे टॉस। मारिया जी आपकी बारी, बताइए। हेड्स टेल्स टॉस आप लोग हारे हैं, आपके पास तो जाएगा, आप लोग टॉस जीते। आइए जी आइए बताइए इस गेम में करना क्या है। ये नट्स है, नट्स पे बॉल्स को रख के बैलेंस करना है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। देखिएगा अगर गौर से ओके। अच्छा ये थोड़ा मुश्किल गेम है तो मुझे ऐसा लगता है इसका स्कोर अभी तक जो हुआ है मैक्सिमम वो 6 हुआ है, 7 किसी ने करने की कोशिश की थी और वो गिर गया था। एक एग्जैक्टली इस तरह। एक मिनट का टाइम है, आपकी टीम से कौन आने वाला है? मारिया जी शाताज जाएंगी। चलिए जी शाताज जाएंगी, एक मिनट का टाइम है शाताज के पास। रेडी रेडी गो। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, को दिल बदल को बदल। हर किसी को चाहिए सनमन का मिलन, काश मुझ पे ऐसा दिल आपका भी आए। आप 4 स्कोर किया है, मुझे लग रहा है एक और स्कोर हो जाता है, आप लोगों टाइम जाया किया। आइए 5 स्कोर करना है आपने ये पॉइंट जीतने के लिए। कौन आएगा कश्मीर से? जल्दी से कौन आएगा, कौन आएगा? मत आप आओगे। चलो एक मिनट का टाइम है आपके पास, सिर्फ 5 स्कोर करना है। रेडी गो। एक और नहीं होगा, टाइम अप हो गया था पहले ही, लेट हो गए। मैंने कहा 5 हो जाते। नहीं एक सिफर के बाद बॉल जो रखी है, सिफर के बाद रखी गई है। हाँ लेकिन एक चीज हो गई है, आपने नट बोल्ट रख दिया था, उन्होंने वो नट बोल्ट भी नहीं रखा था, इसलिए ये एक पॉइंट जाएगा कश्मीर हीरोज के साथ। वेल डन। नहीं ये तुम इनको दिखा के क्यों कर रहे हो? क्या स्टेप है उनकी, क्या स्टेप है? कॉपी जल्दी कॉपी कॉपी। कैसे दोबारा म्यूजिक के साथ खुजाने का क्या चक्कर है? अच्छा देख रहे हो भाई, तुम्हारी नकल शुरू हो गई अब यहाँ पर। अब तुम अपना कोई नया स्टेप लेकर आ रहे हैं, सब बिलाल को कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। लव इट लाइक्स गेम जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ट्रेंड सेटर है, ट्रेंड सेटर। हाँ जी बिल्कुल ट्रेंड सेटर है ये। अच्छा ये गेम आप लोग खेल चुके हैं, ये गेम 2 पॉइंट्स का है गाइस, बैलेंस करना है, कोऑर्डिनेशन का गेम है ये। आइए जल्दी से, एक मिनट का टाइम होगा, बहुत सुकून से बहुत तामुल से खेलना है। अच्छा जी कोऑर्डिनेशन टेल्स टेल्स यप हेड टॉस आप लोग जीते हैं इसलिए पहले आप लोग आएंगे। आइए टेल्स बोला जल्दी से जल्दी से जल्दी से आइए आइए जल्दी से आइए।
एक मिनट का टाइम जी आपकी बारी, आप लोग टॉस हार गए। सुकून से खेलना, एक मिनट का टाइम है। रेडी गो। बहुत आला जी, दो स्कोर किया इन लोगों ने, आप भी दो करेंगे। अगर दो स्कोर कर लेंगे आप भी तो आपको भी दो दो पॉइंट जाएंगे। दो तो करने ही करने, तीन कर लोगे तो जीत जाओगे। ठीक है, चलो सुकून से, पूरा एक मिनट है तुम लोगों के पास, आराम से। चलिए जी, रेडी है, रेडी गो। इन्होंने भी किया दो स्कोर, इस तरह दो पॉइंट जाएंगे कश्मीर के साथ, वही दो पॉइंट जाएंगे इस्लामाबाद ईगल्स के साथ। जल्दी से स्कोर कार्ड दिखाइएगा मुझे, जल्दी से। ओहो, 8 पॉइंट्स पे है कश्मीर, वही 7 पॉइंट्स पर है इस्लामाबाद ईगल्स। अच्छा जी, आज मारिया जी जो है इन्होंने हमें इस वक्त रुखसत करना, इन्होंने कहीं जाना था, इनकी कहीं कमिटमेंट थी, तो ये ख्याल रखना मेरे बच्चों, इसी वक्त तक थी इस्लामाबाद ईगल्स के साथ, लेकिन हमें इस बात का थोड़ा अंदाजा था, इसलिए हमने दूसरा कैप्टन रेडी किया है आप लोगों के लिए। तो मारिया जी बहुत शुक्रिया आपके आने का, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है। बिलाल, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे नातवां कंधों पर है। नहीं नहीं, आपको ये गुड न्यूज देगा इंशाल्लाह, मुझे लगता है बिलाल। नहीं नहीं, हमें इससे उम्मीद है, अगर ये नहीं देगा तो हुसैन देगा, है भाई हुसैन। चलिए जी, थैंक यू मारिया, जनाब। अब मारिया जी तो चली गई है, लेकिन इनको रिप्लेस जिस कैप्टन ने किया है वो हमारे बहुत ही जबरदस्त सिंगर है, बहुत सुरीले सिंगर है, आरजे हैं बहुत फेमस, और उससे बढ़कर हमारी बोल फैमिली का हिस्सा भी है। मैं बात कर रहा हूं जैनुल अब्दीन। आइए सर, इस्लामाबाद के नए कैप्टन है, आइए। मन ढूंढा ये जहां, क्या बात है मेरी। ब्रो अस्सलाम वालेकुम। कोई तुझसा है कहां मेरी जान, मैंने ढूंढा ये जहां मेरी जान, कोई तुझसा है कहां तेरी तरह वाह कोई नहीं मुझ में बसी, खुशबू तेरी छुए 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 उन प्यारी रातों में, क्या बात है। ओ, 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 आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे, वो ऐसे में मेरी जान तुझे जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी, बाहों में तेरे आकर आज रात बेकरार
तारी पड़ती। थैंक यू दानिश, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए पहले जैन के लिए, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए यार, जबरदस्त कमाल एंट्री यार, बेहतरीन। मैं सोचा मैं आज आई रहा हूँ इस्लामाबाद को सपोर्ट करने के लिए, तो गाने से एंटर करेंगे। आज आप सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे, आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं इस्लामाबाद को, याद रखिएगा। यहाँ आप आज जितवाने आए लेकिन बहुत क्रूशियल स्टेज पे आए। देखिए आज ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है, इन दोनों में से किसी एक टीम ने घर चले जाना है। इन्होंने जाना है, अब ये तो वक्त बताएगा कि किसने जाना है। ये ताहिया लेकर, ये तो आके ही बता रहे, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, भाई इन्होंने ही जाना है, हमने नहीं जाना। चलिए देखते हैं जी, इसी नोट पे खेलेंगे नेक्स्ट गेम, लेकर आ जल्दी से। कैप्टन आया फुल फॉर्म के अंदर, अभी देखते हैं कैप्टन क्या करता है, आइए जल्दी से। अच्छा जी, ये गेम आप लोगों ने खेला है मेरे ख्याल से, ये खेला हुआ। अच्छा, मैं खेल भी चुका हूं। जैन आपकी मुलाकात है बिलाल से, अभी मैंने पूछा क्या हाल है भाई, खेले है। स्टाइल आइकॉन है हमारे इस्लामाबाद के, माइक दीजिए भाई, माइक दीजिए बिलाल को। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बिलाल, आज आप ऑब्वियसली खेलेंगे इंशाल्लाह, अच्छा खेलेगा, और आपका डांस मैं देखता हूँ बहुत अच्छा डांस। कितनी फॉर्मल बातें चल रही है ना, ठीक हो, खाना वाना खा लिया, एक अलग ही माहौल चल रहा है हमारे यहाँ। आज माहौल नया है ना भाई के साथ, उसे अफ्तार से कर ली थी, लेकिन अफ्तार तुम अच्छी करते हो ना, लेकिन अफ्तार के वक्त आपने हमें सपोर्ट किया था जो हम साथ इफ्तार कर रहे थे। आइए, सपोर्ट तो रहेगी ना। टॉस, टॉस ये लोग जीते, इसलिए पहले आप लोग खेलने आएंगे। मैं आपको गेम समझा दूं कि क्या करना है। आइए जी, आइए जल्दी से आइए। ये बॉल होगी, ऐसे घुमानी है और बॉल को आपने एंटी ग्रेविटी बनाना है, इस तरह लाके और यहाँ ड्रॉप करना है। सही है जी, एक मिनट का टाइम होगा, जो ज्यादा स्कोर कर लेगा वो जीत जाएगा। मर्जी है, जो भी खेलना चाहे, कैप्टन भी खेल सकते हैं, बिलाल भी खेल सकते हैं, शाहताज भी खेल सकते हैं। बिल्कुल कीजिए, एक दफा चलिए, ऊपर से पकड़ना, ऊपर से पकड़ेंगे ज्यादा आसानी रहेगी। ये ज्यादा जोर से करना है और ये घुमाते हुए लाना है, जल्दी जल्दी आपने। कौन आएगा? शाहताज खेलेगी, चलो शाहताज आ जाओ। चलिए जी, एक मिनट का टाइम है आपके पास, रेडी रेडी गो। बहुत आराम, जल्दी जल्दी चाबश। तुमने शाहताज हमारा पोडियम साफ कर दिया, बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन कर दिया बिल्कुल, शाबाश। आइए जी, नेक्स्ट कौन आएगा? जबरदस्त, सारे गेम आप ही खेल लेंगे, आखिर में कुछ बचेगा नहीं खेलने के लिए, बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए जी, दो स्कोर करना है सिर्फ, रेडी है आप? अब देखिए गेम कैसे खेला जाता है जनाब, रेडी गो। और ये जूस वाले भाई ने सारे ग्लासों में जूस भर दिया, दौरा जी की याद दिलाती मुझे, दौरा जी पे लिमका पी रहा हूं मैं। ये सात स्कोर करने के साथ कश्मीर हीरोज के लिए कैप्टन ने जीते एक नहीं दो पॉइंट, बहुत आला।
चलिए जी मुझे जल्दी से स्कोर कार्ड दिखाइए। ये जो एक्सप्रेशन देना हकारत वाले क्यों आया तू? नहीं मैंने कहा ये करो ना साथ साथ, वो अपने अलग कर रहा था मुझे अलग करने दे। जनाब 10 पॉइंट्स पे कश्मीर, 7 पॉइंट्स पे इस्लामाबाद। कैप्टन कोई बात, फ्रंट फुट पे आगे खेलना पड़ेगा आपको। आ जाएंगे अभी आएंगे। चलिए जी नेक्स्ट गेम जल्दी से लेकर आइए जी। नेक्स्ट गेम क्या है? अरे नेक्स्ट गेम आ गया चक्कर पे चक्कर, गोल गोल, मेरा फेवरेट गेम है और इसके भी एक पॉइंट है। देखते हैं कि टॉस कौन जीता है और इस टीम से कौन आएगा और उस टीम से कौन आएगा। वैसे आएगा आज क्यों एक एक थोड़ी सी यूनिक चीज की जाए, आज क्यों ना इसके अंदर मदिया का मुकाबला शहताज से करा दिया जाए। हो सकता है ना, मजा आएगा। मदिया आपने कभी ट्राई नहीं किया, बहुत मजे का गेम है, बताइए। टॉस आप लोग जीते हैं, आपकी टीम से पहले आएंगे। मदिया है ना, क्या होगा? मैं नहीं इसका पॉइंट हमें दे दें। हाँ? उनकी टीम के मेंबर ने मना कर दिया, पॉइंट हमारा है मैडम, एक पॉइंट तो आ गया। नहीं अब इनके पास ऑप्शन तो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था इनसे। खैर हुसैन एक मिनट है तुम्हारे पास अपने रिकॉर्ड को बेहतर करने का। रेडी गो। जनाब चार स्कोर और चार चक्कर, बिलाल कह रहा कौन जाए तो बाल, उसका। बाल खराब करने कौन जाए, लेकिन अब तो आना ही पड़ेगा। अच्छा बॉय तुमने 5 स्कोर करना है आज। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारे लिए जो तुमने करना है, अपनी शर्ट को पहन के अंदर कर लो, तुम शर्ट इन कर लो पहले। तुम पक्की बात है रेडी हो? तुम ये क्या वो देखो बैट उल्टा है बेटे, ये ये लेट के घूमना चाह रहा है, बैठ उठा रख। चलो भाई रेडी बिलाल रेडी गो। और ये चार, चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। ये दुनिया झूम रही है, ये दुनिया झूम रही है, मरना चाहे घटी हो रही है, ये दुनिया अपना रिकॉर्ड बेहतर किया है, 3 स्कोर और 4 चक्कर, वेल डन बिलाल। लेकिन गुड बिलाल यहाँ एक पॉइंट जीता है हुसैन ने कश्मीर के लिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, खड़े खड़े नहीं, बैठ जाओ। हाँ जी मुझे जरा स्कोर कार्ड दिखाइएगा जल्दी से। और स्कोर कार्ड के 11 पॉइंट्स कश्मीर के, 7 पॉइंट्स पर इस्लामाबाद। आज तैयार कर लिया घर जाने का क्या? अभी बहुत सारे गेम बाकी हैं, ये वक्त बहुत याद आएगा बता रहा हूँ। घर बैठ के इनको फाइनल खेलते हुआ या सेमीफाइनल खेलते हुआ देखोगे और गुस्सा आ रहा होगा कि हम उस वक्त मेहनत कर लेते। गाइज याद रखो ये वक्त वापस नहीं आएगा तुम लोगों के पास। कम ऑन अच्छा खेल रहे, अब लेकर आओ नेक्स्ट गेम। चलो चलो चलो, और कहाँ रखोगे बेटे, यही रखोगे? लो भाई टॉस 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 टॉस, जल्दी से
चलिए जी, कौन 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 आप हैं? अलग है, बताइए। टेल्स इट इज, टॉस जीते हैं आप लोगों की टीम से, पहले कोई आएगा। ये गेम आप खेल चुके हैं और मेरे ख्याल से आपका ही रिकॉर्ड है। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ था वो भी पता है। कैप्टन के कितने गेम्स हो गए मुझे जरा बताइएगा, मुस्तफा के कितने गेम्स हो गए? तीन हुए, दो हुए, तीन हुए, दो गेम्स हो गए मुस्तफा। और टोटल कितने खेल सकता हूँ मैं? टोटल आप तीन खेल सकते हैं, चार, चार खेल सकते हैं। अच्छा चलिए जी, कौन आएगा ये गेम खेलने के लिए? खेल सकता है तू, ये खेल सकता है। आइए जल्दी से आइए, कौन आएगा? आप लोग टॉस आ रहे हैं, याद रहे अगर कैप्टन खुद आगे खेलते हैं और जीतते हैं तो उसके एक नहीं बल्कि दो पॉइंट्स होते हैं। हाँ जी, दो पॉइंट्स हैं। रेडी है आप कैप्टन? हाथ नहीं लगाना है इसमें, रेडी गो। और पूरे कप खत्म जी सर, नौ स्कोर किया इन्होंने एक मिनट में। नीचे गिरे वो काउंट होंगे, सब काउंट होंगे वो। अगर यहाँ हमारे कप खत्म हो जाएंगे तो आप दूसरे कप को वापस लाके फिर लेके जा सकते हो, लेकिन नौ के बाद आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने का। जैन मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगा, आगे यहीं से कंटिन्यू करूंगा। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे गेम शो। ऐसे ही चलेगा, क्वार्टर फाइनल जारी है। आइए जहां पर टीम्स को छोड़कर गया था वहीं से स्टार्ट करता हूं। जी कैप्टन रेडी है आप? आइए आइए आइए, नौ स्कोर किया है, याद रखिए हमारे पास ये नौ कप्स हैं, अगर आप नौ कर लेंगे एक कप को दोबारा उठा के लाएंगे तो दसवां काउंट होगा। रेडी? एक सेकंड, एक सेकंड, एक वक्त में एक लेके जाना है। रेडी गो। ओहो जल्दी 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 जल्दी, टाइम ऑफ। सात स्कोर किया इस्लामाबाद ईगल्स ने, वहीं पर नौ स्कोर किया था कश्मीर ने। ये दो पॉइंट भी जाएंगे कश्मीर के साथ। छोटे छोटे, ये छोटे छोटे स्टेप्स करके आते हैं, देखिए खुल के कर ले यार थोड़ा सा। ला भाई नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी से, क्या है जी क्वेश्चन से लाइए। नेक्स्ट गेम है जी क्वेश्चन आंसर्स, बारी है आप लोगों की, टॉस की, बताइएगा। टेल्स, हाँ टेल्स, टेल्स। और ये टॉस हारे हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर,
दो दो क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, याद रहे दो पॉइंट्स का गेम है, पूरी टीम मिलकर जवाब दे सकती। तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। शताज जी क्या कर रही हो? जरा क्लोज बनाना भाई, बिलाल का, बिलाल का क्लोज बनाइए यार। ये पॉइंट कम है ना हमारे, तो वो यार तुम लोग क्या कर रहे हो बिलाल के साथ यार? ये बिलाल ने कहा था एक कॉमर्स आ रहे मेरे लिए, ये तुमने कहा था करने को? मैंने नहीं कहा था, इनकी अपनी मर्जी थी। शताज जी तुम लोग क्या कर रहे हो बेचारे के साथ यार? मैं इसको लेके गई हूं क्योंकि इसने मुझे कहा, इसने कहा तुमसे? जी मुझसे कहा ना, मैं बिना झूठ झूठ अपनी तरफ से नहीं बोले। चलो बिलाल मत बोलो, फिर मैं लड़ जाऊंगी तुमसे। साफ कर दो, नहीं कर रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले देख रहे हैं प्रोग्राम। यार बिलाल सीरियसली यार, चलो भाई पहला क्वेश्चन, आप लोग टॉस हारे हैं इसलिए आप लोगों से, बिना हाथ पैरों के मैं किसी के भी घर चला जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? इंसान का बच्चा। वो तो नहीं है। बिना हाथ पैरों के इंसान का बच्चा घर चला जाता है, और बताएं वो कौन है? तुमसे पूछा किसने पहले, ये बताओ। सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हो सकता है ये आंसर हो, इंसान का बच्चा। जी बताइए। हाँ खजूर, लेटर। एक जवाब आपका हो जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे जवाब क्या है आपका। हाथ पैरों में, बिना हाथ पैरों के मैं किसी के भी घर चला जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? लेटर 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 फाइनल लेटर। गलत जवाब नहीं है, सही जवाब। बहुत आला, एक अटेम्प्ट, बिल्कुल सही जवाब, वेल डन गाइस। बारी आई है इस्लामाबाद ईगल्स की। अच्छा जी बहुत आला, ये सवाल स्पेशली बिलाल के लिए है। बिलाल साहब पूरी टीम के लिए, एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, आप उसके पास गए, घोड़े को प्यार कर रहे हैं आप, उसको आप चारा खिला रहे हैं। घोड़े का जो रुख है वो मशरिक की सिमत है, बताइए उसकी दुम किस सिमत में होगी? अभी आप प्यार कर रहे हैं घोड़े को, मशरिक घोड़ा आपको देख रहे हैं, आप घोड़े को देख रहे हैं, आप जनूब में खड़े हैं, जनूब, एक मशरिक होता है एक मगरिब होता है। ये जवाब तीनों ने मिलके देना है भाई, आप देंगे जवाब। गौर से सुनिए, गौर सुनिए, एक घोड़े का रुख मशरिक किस सिमत है, बताइए कि उसकी दुम किस सिमत में होगी? उसकी दुम जी पीछे ही होगी, दुम नहीं, किस सिमत में होगी? देखिए ना उसका फेस जो है वो मशरिक की तरफ है, तो इसकी दुम जो है वो किस तरफ होगी? इसको क्यों खड़ा किया है साथ? ये प्यार कर रहा है इसको। अच्छा, ये घोड़ा, इसको घोड़े ने घोड़े पाले में। अच्छा इसने, ओके ओके, ये घोड़ा इसका दोस्त है, प्रॉप रखा हुआ है इसको। घोड़े इसके दोस्त है। अच्छा, एक घोड़े का रुख मशरिक की सिमत है, बताइए कि दुम किस सिमत में होगी? मगरिब। मुझे जवाब चाहिए होगा, एक कोई भी जवाब सोच समझ के, सोच समझ कर एक जवाब दीजिएगा, एक जवाब चाहिए मुझे, सोच समझ कर दीजिएगा बस। एक घोड़े का मुश का रुख मशरिक की तरफ है, बताइए उसकी तुम किस सिमत में होगी? आखिरी तुम इसकी सिमत में नहीं होगी। पता नहीं, पांच सेकंड रह गए जी। आई थिंक ये सही सवाल, ये सही सवाल नहीं है, कह रहा है बिल्कुल सही कहा कि तुम मेरे पीछे होगी, आपके पीछे लग गई तुम। हाँ क्योंकि मैं घोड़ा भी बन जाता हूँ समटाइम। भाई मैं तो मल्टीपल हूँ ना, वर्स स्टाइल हूँ, कॉमेडी के अलावा मैं हर चीज कर सकता हूँ। हाँ घोड़ा बन जाते हो तुम, घोड़ा क्या क्या कह रहे हो तुम, ये घोड़ा बन जाते हो तुम। हाँ पता नहीं, समझ में नहीं आया बिलाल। आई थिंक कि जवाब ये है कि उसकी दुम जो है वो बिलाल की तरफ हो सकती है। बिलाल के पीछे, हाँ मेरे पीछे, जी जी मेरे अंदर। तुम उसके मुंह की तरफ खड़े हो तो उसकी तुम कैसे आ गई तुम्हारे पीछे? क्योंकि आई थिंक मैं ही घोड़ा हूँ, हो सकता है ये आपने कोई आपने पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर करके, क्यों आप सीधी बात तो कर देनी हो। ये आदमी सीरियस कह रहा है कुछ क्या मुझे? हाँ मैं सीरियस कह रहा हूँ। क्या तुम समझ रहे हो घोड़े तुम खुद हो? हो सकता है आपका सवाल यही हो, सवाल यही हो सकता है आपका, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। यार ये कौन है यार, यार बिलाल मैं मल्टीपल वर्सटाइल हूँ जी। मल्टीपल वर्सटाइल, वर्सटाइल, सुनो मेरी बात गौर से, एक घोड़े का रुख
मशरिक की सिमत में है, तुम नहीं खड़े, तुम अपने घर में हो इस वक्त। बताइए कि तुम किस सिमत में होगी, तुम्हारे घर की तरफ होगी, साउथ की तरफ होगी, सीवीओ की तरफ। सीवीओ पे घोड़े होते हैं। देखो दानिश भाई, अगर घोड़ा यूं खड़ा हुआ राइट में तो उसके इस तरफ ही होगी ना, लेफ्ट पर होगी ना। कहां से आ गया वहां पे? तो सीवीओ पर घोड़े होते हैं ना, और कहां घोड़े होते हैं ये बताइए आप। नहीं, सीवीओ पे तो वजन करने और चक्कर भी लगवाते हैं। दुनिया में सिर्फ सीवीओ में घोड़े मिलते हैं और दुनिया में कहीं घोड़े नहीं पाए जाते। कराची की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो मैं तुमसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में तो हर जगह होते हैं हॉर्स। तो वही तो कह रहा हूँ, उसकी अरे एक घोड़ा है, एक घोड़ा तुम होगी बिलाल की तरफ, ये जवाब है बस मेरा। तुम्हारा जवाब क्या है? कैप्टन कैप्टन, मैं नहीं खड़े हुए, मैं नहीं बोला कैप्टन। तुम वहां नहीं खड़े हुए घोड़े के पास, एक घोड़े का रुख मशरिक की सिमत है, बताइए तुम किस सिमत होगी, आपका फाइनल आंसर। जमीन की सिमत नहीं, मगरिब की सिमत। आपकी मर्जी, एक जवाब दीजिए मुझे, जमीन या मगरिब। सोच समझ के जल्दी से सोचो, जल्दी से, टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया। एक घोड़े का रुख मशरिक की सिमत है, बताइए कि तुम किस सिमत में होगी। मशरिक, मशरिक की तरफ फेस है उसका। अच्छा ओके, मगरिब। तुम मगरिब की तरफ होगी, आपका फाइनल आंसर है? मगरिब की तरफ होगी। तुम मगरिब की तरफ होगी, गलत जवाब। सही बोल के गलत, सही बोला था आपने, जमीन की तरफ, जमीन तो सही, फिर इसको काउंट कर ले। नहीं क्यों, आपने, मैंने आपसे बोला फाइनल आंसर दीजिए, मैं तो ब्लफ करूंगा यार। बिलाल वो घोड़े की तुम अपने पीछे लगाने के चक्कर में बैठे, जमीन की तरफ, ये बसित था आज जमीन घोड़े की तुम बिलाल के पीछे लग जाए। मैंने भी लॉजिकली जवाब दिया था, मैंने आपको इनडायरेक्टली जवाब दिया था। क्या दिया तुमने? भाई मैंने ये लॉजिक से जवाब दिया था कि मेरे पैर जमीन पे तो मेरी धूम भी जमीन पे होगी ना। मेरी धूम मतलब घोड़े की धूम। खैरी जवाब सही मान ले, समझ में नहीं आया मुझे आज बिलाल क्या कह रही है। आज क्या खाया तुमने? आज इफ्तारी चढ़ गई है इसको। क्या खाया भाई, क्या बातें कर रहे हो? No personal attack, उसे नहीं बोलना। गाइस आप सीरियस हो रहे हो, फिर मैं भी होऊंगा पर्सनल। चलिए 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 चलिए, कश्मीर आपकी बारी है। वो कौन सी चीज है जो पानी में भी गीली नहीं होती? वो कौन सी चीज है जो पानी में गीली नहीं होती? सांप का अंडा? ये बहुत बहुत कॉमेडी जहीन टीम मेंबर है। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके। हाँ जी, एक गुब्बारा। वो कौन सी चीज है जो पानी में गीली नहीं होती है? और क्या हो सकता है? जल्दी से गाइस, हाँ सोच समझ के। अभी तक आपने एक अटेम्प्ट किया, ये दूसरा अटेम्प्ट है आपका क्वेश्चन के लिए। एक का सही जवाब दिया, मैं जवाब मान लूंगा। वो कौन सी चीज है जो पानी में गीली नहीं होती? तुम्हें फेंक दूं पानी के अंदर, तुम गीले नहीं होगे, मुझे लग रहा है। मैं होता हूं गीला, ऊपर ही रहो, तुम ऊपर ही रहोगे। हाँ सच्ची में, सब ऊपर ही रहेंगे। मुझे नहीं पता था, आप अच्छी बात, आपने नॉलेज में इजाफा कर दिया। कर दिया ना, अब याद रखना ये बात, घोड़े की तुम कह रहे थे सारी जिंदगी याद रहेगी मुझे। घोड़े की तुम कहा? घोड़े की तुम जमीन पे होती है। हाँ जी बताइए, वो कौन सी चीज है जो पानी में गीली नहीं होती? गाइस टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, आखिरी ऑप्शन, कोई हिंट? ना ना ना, कोई हिंट, कोई ऑप्शन नहीं है। 10 सेकंड रह गए, 10 9 पानी में गीली होती है, 8 नहीं आंसर कुछ भी, 7 देख लो अब, 6 5 4 वजूद, 3 गीला नहीं, 2 जबान, 1 है उसका आंसर आता है बस, जबान। एक जवाब चाहिए मुझे, नहीं नहीं बातों में नहीं आना, एक जवाब चाहिए। गीली नहीं होती, सही, हम बंद रखेंगे तो गीली कैसे होगा? वो कौन सी चीज है जो पानी में गीली नहीं होती? जल्दी से बताइए, जल्दी से, टाइम अप हो गया गाइस। जुबान, 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 गलत जवाब। मैं जी इसका जवाब, इसका जवाब है आपका साया, अक्स। ओह ये दोपहर की स्विमिंग है, दोपहर हाजी क्लब। चलिए जी, फिलहाल कुछ कह रहे हैं, और जवाब दीजिएगा। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। कह रहे सांप के अंडे, एक गुब्बारे हो सकते हैं। सांप के अंडे चाहिए तुम? नहीं नहीं, एक गुब्बारे हो सकते हैं, मुझे आपने उनसे सवाल पूछा था। गुब्बारे कैसे होंगे बेटे, गीले नहीं होते पानी में गुब्बारे? नहीं हो, किधर है दिमाग तुम्हारा, दिमाग कहाँ है आज? मेरा दिमाग बहुत चल रहा है आज।
तुम इतना जोर ना दो, घुटने फट जाएंगे तुम्हारे। दिमाग यहाँ आ गया। चलो अब गौर से सुनो, आखिरी अटेम्प्ट है, उन्होंने दो अटेम्प्ट किए, एक गलती की एक सही बोला है, तुम लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है। चलिए, वो क्या चीज है जो आप चलते चलते ही काट सकते हैं? चलते चलते काट सकते हैं, क्या कटता है चलते चलते? वो क्या चीज है जो आप चलते चलते ही काट सकते हैं? रास्ता। मुझे जवाब चाहिए। चलते चलते देखो बाल तो कट नहीं सकते। वो क्या चीज है जो आप चलते चलते ही काट सकते हैं? रास्ता काट सकते हैं ना? आप मुझे एक जवाब चाहिए। रास्ता। रास्ता फाइनल। रास्ता कट सकता है, इसके अलावा बाल काटने नहीं है चलते हुए। और क्या काट सकते? बस एक फाइनल आंसर दीजिए मुझे। रास्ता। इस्लामाबाद ईगल्स ने जवाब दिया रास्ता, और गलती की गुंजाइश नहीं थी इस्लामाबाद। रास्ता सही जवाब है, बिल्कुल। एक सही जवाब दिया आपने, एक सही जवाब दिया आपने, इसलिए मैं दो पॉइंट दूंगा कश्मीर को, दो पॉइंट दूंगा इस्लामाबाद ईगल्स को। बहुत आला लाइए जी नेक्स्ट गेम। ये आया है ना गेम मैदान में, इसमें तो एक आदमी उड़ा उड़ा के फेंकता है। आओ भाई जल्दी से, गेम का नाम है रस्सा कशी। आइए आइए, अभी आइए, आ जाइए। हुसैन साहब और मदीहा, चलिए जी। रस्सा कशी मतलब, मदीहा तुमने आज कोई गेम नहीं खेलना है, तुम आज देखने आई हो, रेडी होके तैयार होकर आई हो, क्या करना गया तुमने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत प्यारा सा एक लड़का है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एफर्ट मारो, खेल सकती हो बिल्कुल। चलो भाई रेडी। नहीं कैप्टन, आप नहीं, कैप्टन आप नहीं। अच्छा अच्छा, आगे आगे कैप्टन नहीं खेलेंगे। हुसैन आगे और चले। कैप्टन नहीं खेलेंगे ये गेम, कैप्टन ने नहीं खेलना ये गेम। अच्छा हम ही खेल रहे हैं। नहीं नहीं, दो प्लेयर्स, दो प्लेयर्स हैं। हुसैन हुसैन पीछे जाओगे, गैप से, गैप से पीछे जाओगे, गैप से खड़े हो, गैप। अच्छा गाइस 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 बी केयरफुल, गिर मत जाना दोनों। थोड़ा सा आगे जा, थोड़ा सा आगे जा, आगे जा। बेहतरीन, गैप से, तो और पीछे जाओ, पीछे जाओ, गैप, गैप रखो, गैप रखो। ये मेडल है, इसमें से जिसने खींच लिया जिसको वो जीत जाएगा। रेडी गो। ये 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 मतलब क्या बिलाल ने, बिलाल ने आधे हाथ से खींच लिया, हिला ही नहीं, वो यूं ही खींच लिया पतंग की तरह। जूते उतार देते, यार हमारे कि हम जो जान लगा सकते थे वो भी नहीं लगा सकते। आपको शूज उतार के खेलना, हमारा बिलाल सिर्फ ज़हीन नहीं ताकतवर भी है। और ये दो पॉइंट जीते हैं बिलाल ने इस्लामाबाद ईगल्स के लिए। आइए बिलाल, वाह 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 यार, म्यूजिक रोक दिया आपने यार। थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर इधर, वाह, ये गलत है, ये गलत है, तुमने तुमने उड़ाना भी गलत है। डेडिकेट करता हूँ हुसैन भाई को, क्योंकि इनकी फील्ड के लिए डांस बहुत जरूरी है, और मुझे खुशी होगी कि ये सारे जो टिकटॉकर्स हैं ये मेरा डांस कॉपी कर रहे हैं, और मेरा नाम आ गया है कि बिलाल। वाह 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 वाह, तो फिर आज से, आज से बिलाल का नाम बिलाल जैक्सन कर रहे होते हैं। बिलाल जैक्सन, आप लोग स्टार हैं ना टिकटॉक स्टार। नहीं नहीं, टिकटॉक पे सिर्फ डांस नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेरा डांस से ताल्लुक है, तो मैं डांस। आपका डांस कोई कॉपी नहीं है, इनका ताल्लुक डांस से आप लोग नहीं जानते। बिलाल जैक्सन, बिलाल जैक्सन, बिलाल जैक्सन, बिलाल क्या नाम है यार आपका, चेक करें आप, इससे हो जाए मूड वॉक, बिलाल डांस हो जाए, माइकल जैक्सन। वाह वाह, माइकल जैक्सन ने जहर खा लिया। वाह बहुत आला,
माइकल जैक्सन ने नीला तोता खा लिया, सोच लिया करो, नीला तोता खाया दोस्त करता हूँ इनकी। क्या बात है, जिलाइए नेक्स्ट गेम के लिए टॉस, दो मिनट कॉइन लग रही है, कॉइन लग पहले शहताज वर्सेस मदीहा, आइए चलिए जी, बॉटल फ्लिप करनी है, बॉटल सीधी गिरेगी आगे तो ही ये बड़ी वाली बॉटल मूव कर सकेंगे। एक मिनट का टाइम है, रेडी गो। और ये एक पॉइंट जीता है मदीहा ने कश्मीर हीरोज के लिए। बारी आ गई है थोड़ा पीछे से, बिलाल वर्सेस हुसैन, रेडी गो। और ये पॉइंट भी जीता है हुसैन ने कश्मीर हीरोज के लिए, दो पॉइंट जीते हैं पूरे लोगों ने, हो जाए भाई। लाइए जी नेक्स्ट गेम जल्दी से, मुझे जरा सोशल मीडिया स्टैट्स तो दिखाइए कि इनके फैंस सो भी रहे हैं या जाग रहे हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सो रहे हैं या जाग भी रहे हैं बताइएगा जल्दी से। ओ 51% है आप लोगों के साथ, 48% इस्लामाबाद के साथ। बिलाल तुम्हारे फैंस जगाओ, अल्लाह के वास्ते आज तो वोट कर दे यार, भीख मांग रहा हूँ, वर्सटाइल हूँ, सारी चीजें करते हैं आपके लिए, मल्टीपल चीजें करते हैं, अल्लाह के वास्ते हमें वोट कर दे, भीख मांग रहे हैं यार, कश्मीर वालों भीख मांगने पे आ गए हैं अब तो। दो पॉइंट का सवाल है कश्मीर को, कहीं तो आप लोग वो करें, इस लाल लुपू स्टिक की बातों में मत आना। चलिए जी चलिए, ये टिकटॉकर की बातों में नहीं आना। टॉस हो गया था, आप लोग टॉस जीत गए थे, इसलिए पहले मैं आपसे पूछूंगा, दो टंग ट्विस्टर्स होंगे गाइस, दो अटेम्प्ट करने हैं, एक आप करोगे एक आप करोगे, दो पॉइंट्स का गेम है। कौन बोलेगा पहले, कौन बोलेगा पहले, आप बोलेंगी, आइए आइए। 12 घंटे 1 बाबा 9 सेकंड 40 चोर 12 घंटे एक बाबा 9 सेकंड्स 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 40 चोर 7 दफा बोलना है, एक गलती की गुंजाइश है। मदीहा रेडी गो।
बारह घंटे एक बाबा नौ सेकंड चालीस चोर, 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 बिल्कुल सही, बहुत आला, बेहतरीन मदिया, मुश्किल था और एक अटेम्प्ट किया, एक बिल्कुल सही बोला जी। कौन करेगा अटेम्प्ट? माइकल आप करेंगे। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे, छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे, सिंपल, छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। रेडी हो? सात दफा बोलना है, रेडी गो। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे, छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे, छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे, छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे, छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे, छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे, छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे, छोटे ने छोटे Well done, शाबाश। वाह। One one। जी हुसैन साहब, बात आई आप पे। Ready हैं आप? लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। लालू खेत के लाल के गाल लाल लाल। हाँ। लालू के लालू खेत के लालू के लाल गाल गाल। हाँ हाँ। नहीं नहीं। लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू खेत के लाल के लालू खेत के लालू के लाल। आपको भी नहीं देखो, लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू के लाल गाल गाल लाल के लालू खेत के लाल लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। लालू खेत के लाल के लालू खेत के लालू के लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल गाल गाल लाल लाल। सात दफा बोला है, रेडी रेडी गो। लालू खेत के लालू के लाल के गाल गाल। लालू खेत के लालू के लाल के गाल 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 लाल लाल गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू गलती हो गई के गाल। लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। एक मिनट आप तो चुप हो जाओ, आप कर लो। लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। आखिरी चांस है, रेडी गो। क्या लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। बेहतरीन, ये है। रेडी, सात दफा बोलना है, रेडी गो। लालू खेत के लालू के लाल गाल लाल। और गलती हो गई है जनाब, दो अटेम्प्ट किए, एक गलती की, एक सही बोला है, एक अटेम्प्ट किया है, एक बिल्कुल सही बोला है। यू कर रही थी। आखिरी चांस है आपके पास, अगर आप ये सही बोलोगे तो दो पॉइंट जीतोगे यहां से। रेडी हो चाताज? नन्ने ने नन्ने को कहा, नन्ने को दो नान दो। नन्ने ने नन्ने को कहा, नन्ने को दो नान दो। सात दफा बोलना है। नन्ने ने नन्ने को कहा, नन्ने को दो नान दो। रेडी रेडी गो। नन्ने ने नन्ने को कहा, नन्ने को दो नान दो। नन्ने ने नन्ने को कहा, नन्ने को दो नान दो। नन्ने ने नन्ने को कहा, नन्ने को दो नान दो। नन्ने ने नन्ने को कहा, नन्ने को दो नान दो। नन्ने ने नन्ने को कहा, नन्ने को दो नान दो। नन्ने ने नन्ने को कहा, नन्ने को दो नान दो। नन्ने ने नन्ने को कहा, नन्ने को दो नान दो। क्या बात है शाताज, बहुत आला यार, क्या टेम्पो में बोला है, क्या गर्मा गर्म नाना है, जबरदस्त। और इस्लामाबादी गजने ये दो पॉइंट फिर से जीते हैं, बहुत आला जनाब। आइए बिलाल साहब, आइए बिलाल। आसमानों को चीरता हुआ पता नहीं क्या कर रहा था, क्या इसने किया। खैर जी, 17-13 अभी भी बहुत पीछे हो तुम लोग, लेकिन ये गेम भी दो पॉइंट्स का है। टॉस के लिए कॉइन लाइएगा और याद रहे ये है सिचुएशनल एक्टिंग। आपको मैं एक सिचुएशन दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्ट करना होगा। बताइए कैप्टन चांद, टॉस आप लोग जीते हैं, डिसाइड करेगी मेरी पूरी टीम वहां बैठी हुई है, इनको बेहतरीन एक्टिंग किसकी लगी। आइए सबसे पहले मैं सिचुएशन दूंगा बिलाल को और शाताज को, गौर से सुनिएगा और खुल के एक्टिंग करनी है। वेटर और कस्टमर में लड़ाई, कस्टमर बर्गर खाते हुए अचानक शोर करता है कि बर्गर में लाल वेग आया है।
आप कस्टमर हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, खाते में एकदम लाल बैग आया, आपने शोर मचाना शुरू किया और बोला ये कैसे लाल बैग आ गया इसके अंदर और मेरे पैसे वापस करें, मैं सोशल मीडिया पे बुलाऊंगा, मैं चैंपियंस का बंदा हूं, मैं ये हूं, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और ये डर के मारे आपसे कहते हैं हमारा हमारे चार बर्गर खा लें आप, आखिर में ये यहाँ तक आ जाएंगे कि आप हमारा होटल पूरा ले लें। आइए जल्दी से, रेडी। अच्छा जैन जो है वो मैनेजर है, वो एंड में आएंगे, ये वेटर है, इनसे फाइट हो रही है, आखिरी 40 सेकंड रह जाएंगे, तो मैनेजर साहब आप आएंगे और आप इस मामले को काम डाउन करने की कोशिश करेंगे, डेढ़ मिनट का टाइम है आपके पास, बर्गर खा रहा है भाई, रेडी गो। यार ये क्या है, इसके अंदर लाल बैग है यार, आपकी शक्ल लाल, शर्म नहीं आती आप लोगों को, ऐसे बर्गर बेचते लाल बैग वाले चोर वाले, तो वो आपकी शक्ल देख के मैंने बर्गर बनाया था ना, अभी वीडियो बना के डाल देता हूं सोशल मीडिया पे, वीडियो मत बनाना हमारा होटल बंद हो जाएगा, क्यों क्यों भाई, तो लाल बैग आप दिख रहे, तो मैंने लाल बैग वाला बर्गर बनाया था ना, 500 रुपए का बर्गर है, ऊपर से इसके अंदर लाल बैग है, तो क्या मैं आपके लिए अंडे वाला बर्गर बनाती, हाँ जी आप चैंपियन है, लाल बैग वाला बर्गर खाते हुए ज्यादा सूट करेंगे, लाल बैग नौकरी जो है ना वो फायर कराता हूँ तुम्हें नौकरी से, हमारे चार बर्गर खा ले मैं आपको उसमें भी, क्या मैं तुम्हें लालची लगता हूँ, नहीं नहीं आप लालची नहीं, आप मुझे अच्छे बर्गर के अंदर, अगर अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता है इसे खाने से, तो हार्ट अटैक होता बर्गर, हाँ? को हार्ट अटैक हो जाता, आपने खाया है, शर्म नहीं आती तुमको, क्या नाम है तुम्हारा, अभी मेरा नाम कुछ भी नहीं, नहीं नहीं मेरा छापा पड़ेगा ना फूड इंस्पेक्टर का, आप जी आए मैनेजर सर 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 प्लीज, इसके अंदर लाल बैग है सर, माशाल्लाह सर आप पहले ही खाते पीते घराने के लग रहे हैं, क्या आप मजाक उड़ा रहे हो, नहीं सर मेरी बात सुनो, आप आपको मैंने टीवी पे देखा है, मैंने आपको टीवी पे देखा, आप चैंपियन में पिछले वाले का मगरमच्छ, आप टीवी पे आते थे ना आपको, हाँ। मैंने देखा था चैंपियन में बहुत अच्छे डेयर करते हैं, आप डेयर अभी मैं वीडियो आप समझ ले डेयर है, ये डेयर है, भाई तो अच्छा वाला ले लेते, 9000 फॉलोअर्स हैं सर, 9000 हैं सर, ये लाख हो जाएंगे, आप दोबारा लाल बैग खा के नहीं लाख, 9 लाख हो जाएंगे सर, आप वीडियो फॉलोअर्स हैं सर, खा ले आपको कौन सा गुनाह मिलेगा सर, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप वीडियो बनाएं, एक मिनट आप वीडियो बनाएं, आप नहीं सर आप हमारा होटल, आपने असली कॉल उठा ली है सर, मेरी बात सुनिए, कॉल को काटे, कॉल नहीं उठा रहा मैं, आपकी शिकायत, अच्छा सर आप टाइम अप, टाइम अप गाइस, टाइम अप, टाइम अप, डिसाइड करें ये वीडियो आप चाहे ना मैं रिलीज करें ताकि वो बोले इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल है। आइए जी सिचुएशन आप लोगों को बताता हूँ कि आपकी क्या है, बढ़िया, दुकानदार और कस्टमर का झगड़ा, नए कपड़े खरीदे थे, रंग उतर गया, कस्टमर दुकान पर वापस करने आया है, दुकानदार पहचान ही नहीं रहा। कौन कौन हो आप दुकानदार, ये दुकानदार कोई बन जाए आप दोनों में, कपड़े लिए थे आपने नए, आपने धोए, रंग उतर गया, बहुत महंगे बेचे थे, अब आप आए हैं वापस करने और दुकानदार पहचान नहीं रहा, यहाँ आइएगा, यहाँ आइए दुकानदार, आप यहाँ रेडी, कपड़ों का कपड़े वो आपसे लेकर गई थी, कपड़े जैसे ही धोए, रंग उतर गया, वापस आए, अच्छा आपके बैक ऑफ द माइंड क्या होगा कि कपड़े खराब दिए हैं आपने इनको, आप मुकर जाएंगे, रेडी गो। छोटे वीजा मालों का कपड़े लेके आ, कपड़े लेके आ जल्दी से, एक मिनट रुकिएगा, अस्सलाम वालेकुम, लेके आ जाए यार, अच्छा ये आपसे मैं ड्रेस लेकर गई थी, इसकी हालत देखेंगे आप जरा, कौन सा ड्रेस लेके गई, ये देखे ना इस ड्रेस की हालत, तो ये कैसे पहना है, नाके नहीं पहना था क्या, क्या हालत कर दी, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, पहले एक तो इतना महंगा ड्रेस मैंने लिया है, दुकान से नहीं लिया यार, मैं है कौन, मैं कौन, 5 रुपए लें जल्दी, ये बहुत तमाशा देखने, आप बात कैसे कर रहे हैं, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, मैं आपसे ये 10,000 का ड्रेस लेकर गई हूँ, 10,000 रुपए इतने का तुम चलाते ही नहीं, और ऐसे मुंह पे तो 10,000 बिल्कुल भी सूट नहीं करते, कुछ अच्छा लेके आए, अगर आप बोलती 500 रुपए, 10,000 का ड्रेस लेकर गई हूँ, आपने मुझे 4,000 का दिया, 5,000 की आपने मुझे शर्ट दी, डिस्काउंट करके आपने 3 पीस 10,000 का बना के दिया, ये कौन सा आई थी ऐसा जो इतनी महंगी शॉपिंग करवा के गया भाई, किस तरीके की बात कर रहे हैं, आपकी तो नहीं लगता कि आप अपनी जेब से इतने पैसे देंगे, कोई ना कोई तो कोई भी चलेगी, देखिए मस्जिद मस्जिद से घर वाला बच्चा, बात खत्म हो गई, हमें और कोई बात नहीं करनी है, आपको जानता ही नहीं, आपको जानता ही नहीं, कपड़े उठा के ले जाऊंगी, मैं यहाँ से कपड़े उठा के ले जाए, वैसे लुंडे से शॉपिंग वैसे ही करती है, लुंडे वाला सामान दिख रहा है आपको, लटका हुआ है बिल्कुल सामान, हमारे प्रॉपर वाइज कर रहे हैं, ऐसी शक्लें लुंडे में मिलती हैं, आप चली जाएं प्लीज, आप प्लीज चली जाएं आप, हमें आपको नहीं जानता, टाइम अप गाइस, टाइम अप, टाइम अप, डिसाइड करेगी मेरी टीम के दोनों में से ज्यादा बेहतर किसने परफॉर्म किया, जी ओवर टू यू गाइस, पहले अपी आप बताएंगे, कोई बात नहीं, इस्लामाबाद जैन की टीम, इस्लामाबाद ईगल्स, एक वोट जी, बताइए नेक्स्ट, कश्मीर हीरोज, कश्मीर 1-1, फैसल, इस्लामाबाद ईगल्स, इस्लामाबाद ईगल्स 2-1, जी इस्लामाबाद ईगल्स, और 3 वर्ड्स 1 वर्ड, जी इस्लामाबाद ईगल्स, 4 वर्ड्स,
एक वोट मिला है कश्मीर को और ये दो पॉइंट जाएंगे इस तरह इस्लामाबाद ईगल्स के साथ। आइए बिलाल साहब। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई तुम? शुरू में तो समझ आ रहा था कि जनरेटर ऑन किया। भाई सोशल मीडिया स्टेटस दिखाइए, इनके फैंस जागे हैं इनके इस डांस से या नहीं, दिखाइए इस पर कौन कहां का है। ये कौन सा डांस था भाई? जी आ गए होंगे पॉइंट्स, आ गए होंगे देखा। अरे 51.15% इस्लामाबाद, 48.84% कश्मीर, और जरा पॉइंट टेबल दिखाइए। ये दो पॉइंट भी गए हैं इस्लामाबाद ईगल्स के पास। इस तरह कितने पॉइंट्स हो गए? याद रहा क्वार्टर फाइनल है जी, दिखाइए 17-17 यस, व्हाट अ मैच यार, इक्वल। ये आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि गेम चेंजर के लिए मुझे टॉस करने की जरूरत पड़ रही है। हुआ था सिंपल इक्वल, हमने इक्वल किया था, टॉस पे फैसला हुआ था। अच्छा आप लोगों के साथ ये हो चुका है? अच्छा भाई सेकंड टाइम है, माजरत मैं मुझे याद नहीं रहा, बिलाल को याद था कि इनके साथ ऐसा हो चुका है। ये टॉस हो रहा है, ये टॉस आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉस है। इन दोनों टीम्स में से जो भी टीम निकली वो घर जाएगी आज। गाइज ऑल द लक, लाइए जी टॉस। साबात बारी आपकी, अगर ये टॉस जीतते हैं तो गेम चेंजर आप खेलेंगे, अगर ये टॉस हारते हैं तो गेम चेंजर कश्मीर खेलेंगे। रेडी आप लोग? बताइए टेल टेल जो टेल जो टॉस जीता है आज इस्लामाबाद ईगल्स से, बहुत आला। yes, क्या बात है। yes. मुझे यकीन नहीं आ रहा है, डिफरेंस 17 और 10 का था, बहुत जबरदस्त कमबैक, लगातार तीन गेम्स जीते हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया ने इनका साथ दिया। तुम मजाक उड़ा रहे थे डांस का उसके है यार, बिलाल को अंडरएस्टिमेट नहीं करना भाई, अंडरएस्टिमेट कर रहे हो तो। होस्टिंग मॉडलिंग सब कुछ मशहूर है, मैं मल्टीपल वर्सटाइल हूं। मल्टीपल वर्सटाइल क्या होता है? मतलब हर एक किस्म की कोई छाप ना लगाते, इस वजह से हर काम करते हैं। बेटा वर्सटाइल हो गया ना, मल्टीपल वर्सटाइल, मल्टीपल वर्सटाइल, मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल मेरा अपना वर्ड है। चलिए जी तो खेलेंगे आज का गेम चेंजर इस्लामाबाद ईगल्स के साथ। ये गेम मैं आपको एक दफा समझा दूं, कैप्टन आपने इनमें से कोई भी एक ब्रीफकेस मंगवाना है और अपने पास रखना है, ठीक है? वो ब्रीफकेस होगा इस्लामाबाद का, तीन ब्रीफकेसेस कश्मीर अपने पास मंगवा लेंगे और एक ब्रीफकेस यहां मेरा रुक जाएगा। आपने वन बाय वन ब्रीफकेसेस ओपन करने हैं, याद रहे बस जो ब्रीफकेस आपके पास होगा उसमें 10 लाख रुपए निकलने चाहिए। सही है। गेम के दौरान किसी भी वक्त आप वो ब्रीफकेस किसी भी दूसरे ब्रीफकेस से स्वैप कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन आखिरी जब ब्रीफकेस बच जाएगा, खैर अगर वहां तक कहानी जाती है तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आपने वन बाय वन ब्रीफकेसेस खुलवाने, लेकिन सबसे पहले आप अपनी टीम के लिए कौन सा ब्रीफकेस मंगवाना चाहेंगे? अपनी टीम के लिए सोच समझ के, ये आपको किस्मत से मौका मिला है, मैं सच बता रहा हूं। आज मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप लोग आज खेल रहे होंगे गेम चेंजर, मुझे लग रहा था कश्मीर खेलेगा, ये किस्मत ने पलटा खाया और आप लोगों के नसीब में निकला है, इसका भरपूर फायदा उठा लीजिएगा। बताइए कौन सा ब्रीफकेस लेकर आऊं? अच्छा और हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ओके सोच समझ के कोई भी एक ब्रीफकेस, ये ब्रीफकेस आज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टीम हारेगी वो घर जाएगी आज। जल्दी से गाइस, हम लोग अभी अपने पास रखेंगे नंबर वन अभी लाइए जी, नंबर वन लाके दीजिए। जैन के पास रहेगा ब्रीफ केस नंबर वन। कश्मीर हीरोज, ये क्या हुई गवाह, अच्छा खासा खेलते खेलते किस्मत फिर पलट गई आप लोगों की, लेकिन अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ है। कैप्टन
बताइए आपके लिए कौन सा ब्रीफ केस सबसे पहले? नंबर टू। पहले कैप्टन बोलेंगे, कैप्टन आपके लिए कौन सा? टू। मुस्तफा चौधरी के लिए ब्रीफ केस नंबर टू लाइए। मदीहा ब्रीफ केस नंबर थ्री लाइए जी। मदीहा के लिए जरा ब्रीफ केस नंबर तीन तो लाइए। और बारी है अब हुसैन तरीन की। हुसैन बताइए कौन सा ब्रीफ केस आपके लिए? तुम इतना डिसर्ट क्यों हो जाते हो इस गेम चेंजर में आके? परेशान हो जाता है। एक चीज तुम लोगों को समझाऊं मैं, जो टीम खेल रही होती है ना सबसे ज्यादा प्रेशर उन पर होता है, एक चांस होता है। तुम लोगों के पास तीन चांस है, इनमें से कोई ऐसा ब्रीफ केस खुल गया जिसमें 10 लाख रुपए निकल गए जी तो तुम लोग जाओगे। चलो रिलैक्स करो, बोलो कौन सा ब्रीफ केस? नंबर फोर। नंबर फोर लाइए भाई, हुसैन को नंबर फोर ला के दीजिए। और हैरत की बात है ये नंबर फाइव आज किसी ने लिया नहीं यार, है मदिया? सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं सोशल मीडिया से नंबर फाइव के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि नंबर फाइव में होंगे 10 लाख रुपए। लेकिन लोग तो तुक्का मारते हैं, जैसे आप लोग मारते हैं, जैसे मैं मारता हूं। खैर शुरू करते हैं आज का सबसे ग्रैंड गेम चेंजर। आइए सबसे पहला ब्रीफ केस कौन सा ओपन करूं आपके लिए? देख कैसे रहे बिलाल। बिलाल जो ओपन होगा तो गेम से आउट हो जाएगा, और उसमें अगर 10 लाख रुपए निकल गए तो ये गेम यहीं खत्म हो जाएगा। आप लोग घर चले जाएंगे, वो टीम जीत जाएगी। आपके पास जो भी होगा ब्रीफ केस उसमें 10 लाख रुपए निकलने चाहिए, मेक श्योर ये करना। अच्छा, फर्ज करें मुझे इसका नंबर थ्री चाहिए। आप स्वैप कर सकते हैं अपने ब्रीफ केस, स्वैप कर सकते हैं नंबर फोर या नंबर टू, व्हाटएवर हम स्वैप कर सकते हैं, अपने ब्रीफ केस से स्वैप कर सकते हैं। ओके बताइए सबसे पहले कौन सा ब्रीफ केस ओपन करूं? कौन सा ओपन? नंबर फाइव। नंबर फाइव ही करूं। अच्छा आपने अभी कहा ना कि सबसे ज्यादा वोट्स जो आते हैं जी वो नंबर फाइव के ही आते हैं। नंबर फाइव और नंबर फोर के लिए आते हैं। नंबर फाइव और नंबर फोर जी, तो नंबर फोर ही खुलवाएं सबसे पहले तो। नहीं खुलवाएं क्या हुआ? हुसैन बैठा है आज नंबर फोर पे। हुसैन को यकीन है कि 10 लाख रुपए नंबर चार में ही है। अच्छा इसी तरह मदिया को लग रहा होगा कि 3 नंबर में भी हो सकते हैं ना। बिल्कुल चलिए देखते हैं भाई बिलाल आज किस्मत कितनी साथ है आप लोगों के। बताइए हमारी टीम का मुश्तरका अभी एक इजलास हुआ है, इजलास हुआ है उसमें पता चला है हंगामी हालात में उसमें पता चला है कि नंबर पांच की तरफ पहले बढ़ जाते हैं क्योंकि नंबर पांच खुलवा के देखते हैं पहले। जैसे आपकी मर्जी, आप जो बोलेंगे सारी पावर्स आपके पास है, पक्की बात है। कैप्टन आज आप हैं जैन। नंबर फाइव, नंबर फाइव खुलवाएं पहले। लाइए जी जैन ने कहा नंबर फाइव, तो फिर नंबर फाइव खोलते हैं। याद रहे ये नंबर फाइव किसी ने चूज नहीं किया है, आज ये मेरा ब्रीफ केस है। जैन आज आप फर्स्ट टाइम ये गेम खेल रहे हैं, सिर्फ याद दिहाने के लिए बताना चाहता हूं अगर इसमें 10 लाख रुपए निकल आए और मैंने एक दफा ब्रीफ केस ओपन कर दिया तो आप लोग हार जाएंगे। नंबर फाइव ओपन कर दूं? अगर 10 लाख आ गए हम चले गए, इस मैच से ही खत्म हो गए हम लोग, खत्म। आप हार जाएंगे इस मतलब मैच से नहीं, इस लीग से खत्म, लीग से ही खत्म जाएंगे डायरेक्ट आप लोग। यार इतना बुरा कदम लेके तो नहीं जाऊंगा यहां से। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है इसमें आज जीत के जाना है हमें। आपकी मर्जी, आप बोलेंगे मैं तब खोलूंगा। आखिरी कॉल है आपकी, आखिरी दफा पूछूंगा नंबर फाइव ओपन करूं या नहीं करूं। कर दे शाहताज, कर दूं? कर दे बिलाल, बिस्मिल्लाह खुल चुका है नंबर फाइव के। चलिए जी सबसे पहले इस्लामाबाद ईगल ने ब्रीफ केस नंबर फाइव ओपन करवाया है और मैंने कम से कम 7 मरतबा इन लोगों से पूछा कि ये 5 नंबर में ओपन करूं या ना करूं। ऑडियंस के सबसे ज्यादा वोट आते हैं कि नंबर 5 में ही 10 लाख रुपए होते हैं। जैन आपने क्यों नहीं सुना जी? यार मैं अपनी टीम को साथ लेके चलना चाह रहा हूं और टीम से मैंने मशवरा किया, इन्होंने कहा कि मैं फोर को पहले खुलवा रहा था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं फोर को मत खुलवाएं, नंबर फाइव को ही आज खुलवाएं। तो हमारा मुश्तरका ये चीज़ एक फैसला था कि अब ये मुश्तरका फैसला मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि आपके हक में आया भी या आप लोगों की जर्नी आज यही ख़त्म हो गई है। इस्लामाबाद ईगल्स की तरफ से जैन
वाइल्ड कार्ड एंट्री में कैप्टन बनने आए और उन्होंने आज एक ऐसा काम किया है, सबसे पहले आज ब्रीफ केस नंबर 5 ओपन कराया। और मैं बताता हूं कि ये इस लीग का सबसे बड़ा ब्लंडर नहीं रहा, बच गए आप 6 लाख रुपए मैदान से बाहर, बच गए जी, बच गए। लेकिन अभी फिर भी बचे हैं 4 ब्रीफकेसेस इंक्लूडिंग योर्स, एक आपका, 3 इन लोगों के। नेक्स्ट ब्रीफकेस सोच समझ के बताइए कि कौन सा ओपन किया जाए। यार आप खोल के ना देख लीजिएगा ब्रीफकेस, नहीं नहीं आपने पोटली के अंदर जो हाल किया था यहाँ मैं बाथरूम में लगाता हूँ, एक बंदा पीछे हाँ ही देख रहे हैं, मुझे पता चल रहा है यहाँ से नजर नहीं आ रहा। आप रेडी रहिएगा, इनका शॉट बनाते रहिएगा, बस दिखा दीजिएगा यहाँ पर आप। चलिए रेडी जी बताइए। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रीफकेस कौन सा ओपन किया जाए, याद रहे, सिर्फ याद दिहानी के लिए बता रहा हूँ, आप किसी वक्त भी अपना ब्रीफकेस किसी भी ब्रीफकेस से स्वैप कर सकते हैं। यार एक काम करें, सबसे पहले तो यही ब्रीफकेस से स्वैप करें। नंबर टू स्वैप करें। नहीं नहीं, मुझे वो उनसे संभल ही नहीं रहा है, कुछ है इसमें, मुझे नहीं पता, भारी तो ये भी लग रही, लेकिन दोबारा कुछ है इसमें, नहीं वेट हो सकता है ये उनकी कोई ट्रिक हो आपको लुभाने की, कि आप आपका माइंड डाइवर्ट हो इस तरफ। बताइए जल्दी से, सारी पावर्स आपके पास है, आप जो जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, इसी से करेंगे सर ये हाँ हाँ कर लो सोच समझ के गाइस बताइए। भाई ने टॉफी दिखा रहे हैं मुझे बार बार, ये टॉफी है अब ये टॉफी आप दोनों में से किसी एक ने खानी है, जल्दी से बताइए कौन सा ब्रीफकेस। नंबर टू स्वाइप करेंगे हम, लाइए जी काशिफ मुस्तफा का, ये आ गया, खुद आ गया, डील डील होगी ना, डील होगी। चलिए जी, थैंक यू, नंबर टू आ गया है अब टीम इस्लामाबाद ईगल्स के पास, और नंबर वन गया है मुस्तफा चौधरी के पास, कश्मीर हीरोज के पास। गाइस जल्दी से बताइए दूसरा ब्रीफ केस में कौन सा ओपन करूं, क्या पता टू में अभी काम करते हैं, लेकिन अब किस्मत को आजमाते हैं जो हमने स्वैप। अच्छा गाइस एक अनाउंसमेंट है, आज हमारा ये लीग का राउंड का आखिरी मैच है। हमारा एक मैच रह गया था जो कि था लाहौर का क्वेटा से, वो दोनों टीम्स ऑलरेडी नहीं, लाहौर और पिशावर के, पिशावर से तो पिशावर वैसे ही आउट एलिमिनेट हो चुकी थी, और लाहौर जो थी वो क्वालिफाई कर चुकी थी, तो हमने दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया है क्योंकि हमारे पास दिन नहीं बचे थे। आगे 2 सेमीफाइनल्स हैं और 1 फाइनल है, कल इस लीग का पहला सेमीफाइनल होगा और परसों दूसरा सेमीफाइनल होगा, देखना ना भूलिएगा, बहुत ही कांटेदार मुकाबला, इनमें से कोई एक जीतेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनाम। जी इनाम से याद आया, लेकिन ये तो जीते तभी तो जाएंगे सेमीफाइनल में। चलें ये नंबर 4 खोल के देखें तो क्या देख रही हो एक्सप्रेशंस आपके, हाँ नहीं मुझे पता नहीं कि फोर नंबर में क्या 4 है। बस ऐसी फीलिंग है मुझे कि नंबर फोर पक्का लाइए जी हुसैन का ब्रीफकेस लेकर आइए, ब्रीफकेस नंबर 4। आपने पहले एक ब्रीफकेस स्वैप किया, उसके बाद आपने ब्रीफकेस नंबर 4 खोलने के लिए मुझे कहा है, जब तक मैं ये ओपन नहीं करता आपके पास पावर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं किसी और ब्रीफकेस से। जी जैन फाइनल कॉल चाहिए मुझे आपकी, नंबर 4 ओपन कर दूं। शाहताज क्या लगता है आपको, उसको रोना आ रहा है यार, मशवरा तो दो ना, जी गाइस। अच्छा मुझे तो भाई मशवरा ही दूसरा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो आपने एक्सचेंज कराया वापस एक्सचेंज करवा दें, वापस नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, इस ब्रीफ केस से वापस नहीं होगा। ओके तो फिर 4 खुलवा लेते हैं पहले। ओके 4 खोलें जी प्लीज, आपने कहा 4 खुलवा देते हैं पहले, अगर ये खुलने के बाद नेक्स्ट ब्रीफ केस की नौबत ही ना आई फिर खैर आपकी मर्जी, मैं ऐसे ही डरा रहा हूँ, एक सेकंड मैं वजीफा पढ़ लूँ, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, मुझे सिर्फ फाइनल कॉल दीजिए मैं ये ओपन कर दूंगा। खोल देते हैं 4 जी जैन, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, चलिए जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस्लामाबाद ईगल्स की तरफ से जैन ने मुझे बोला है कि ब्रीफकेस नंबर 4
ओपन किया जाए। मैं जल्दी से देखता हूँ और बताता हूँ इस ब्रीफ केस नंबर 4 में क्या है। आंखों पे हाथ रख लिया भाई, बता दें। मैं ये सोच रहा हूँ, टेंशन, टाइम अप हो चुका था, इत्तेफाक की बात है। और 10 लाख रुपए आपको कैसे पता कि इस ब्रीफ केस में है? हुसैन, आज जब तुम ब्रीफ केस नंबर 4 लेकर आए थे, मुझे उस वक्त से शक था कि 4 नंबर के अंदर 10 लाख रुपए हैं। मैंने कई बार पूछा आप लोगों से, आप लोगों ने कहा हाँ 4 नंबर खोल दिया जाए। आपने ब्रीफ केस नंबर 2 स्वैप भी किया 1 से, लेकिन आपने फिर भी 4 नंबर खुलवाया। 4 और 5 नंबर वो है जो नॉर्मली लोग सबसे आखिर में ओपन करवाते हैं। जितने फैंस हैं उनको यही लग रहा था कि 4 नंबर में या 5 नंबर में 10 लाख रुपए हैं। 5 में तो नहीं निकला, लेकिन जैन तो एक सेकंड, इसको खोलने से पहले खोल दिया मैंने। अच्छा अच्छा, आपने खोल दिया है, लेकिन आप इससे पहले अनाउंस करें तमाम इस्लामाबाद के जितने भी फैंस हैं जी। देखें, आज मैं एज अ गेस्ट सेलिब्रिटी कैप्टन हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे आके कुछ कहिएगा नहीं क्योंकि मैं मोहब्बत है मेरी। अब आप खोल लें प्लीज जी। इनमें जैन का कोई कसूर नहीं है, ये सब मिलके खेल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, लेकिन इसमें कसूर सिर्फ और सिर्फ किस्मत का था। किस्मत आज जिसके साथ थी वही टीम जीती है। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, अभी तक जीते नहीं है, 8 लाख रुपए निकले हैं। आगे खेल यार सकते। भाई क्यों डरा है यार? 8 लाख रुपए निकले हैं, आप लोग फर्दर खेल सकते हैं। हटाइए जिसे। कहानी आ गई है मदीहा जी के ब्रीफ केस पे। आज बड़ी खामोश बैठी है, ऐसा लग रहा है जैसे इनके ब्रीफ केस में आज कोई बड़ा अमाउंट है। लेकिन जिस तरह आप ब्रीफ केस को पकड़ के बैठे हैं, आप चाह नहीं रहे ये ब्रीफ केस खोला जाए। ऐसा ही है, अप टू यू, जो आप बेहतर समझे, अप टू हिम। पावर्स उनके पास है, जैसा वो बोलेंगे हम तो वही करेंगे। भाई मशवरा चल रहा हूं जी। बताइए बिलाल साहब, अभी तक आपका कैप्टन बहुत अच्छा खेल रहा है। नहीं नहीं बताओ, अच्छा भाई तो मशवरा तो दो, तुम तो टीम के मेंबर हो यार। शताज आप भी मशवरा दे सकते हो यार। मुझे इनर फीलिंग आ रही है मेरे ब्रीफ यार, ये कमरे में लेके क्या फीलिंग आ रही है तुम्हें? नंबर 2 और नंबर 3 सेक्शन से माइक में तो बताओ क्या फीलिंग आ रही है तुम्हारे ब्रीफ केस में? कुछ है। ओके जी, हां हां, 3 3। अच्छा, अभी तक जो साइंस लगी है मेरी, अब तक हां साइंस लगाई है मैंने, मैंने अपना इनको दिया है ब्रीफकेस, इनका ब्रीफकेस मैंने अपने पास रख लिया है। तो ये ब्रीफकेस जो है मैं आखिर में खोलूंगा ताकि मुझे पता चल सके। देखिए आप ये गेम पहली बार खेल रहे हैं, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, आखिर में खेलने की नौबत उसी वक्त आती है जब आप जो ब्रीफकेस अभी खुलवाएंगे उसमें 10 लाख रुपए ना निकले। अगर निकल गए तो ये गेम यहीं खत्म हो जाएगा। आपके पास आखिरी 1 मिनट बचा है, हो सकता है इस 1 मिनट में आप जो ब्रीफकेस खुलवाएं गेम वहीं खत्म हो जाए। जल्दी से बताइए मुझे नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा ओपन किया जाए जी। जल्दी से नहीं, अगर हमारे में नहीं निकला है फिर क्या होगा? कम ऑन गाइस, अभी हारे थोड़ी हो यार, बाकी है 2 ब्रीफ केस। कम ऑन, चलो शाबाश, जल्दी से। नंबर 3। आज मदिया को लग रहा है नंबर 3 में सबसे बड़ा अमाउंट है। मदिया को लग रहा है, आपको लग रहा है ना? जी मुझे लग रहा है, बस आपको लग रहा है, खत्म हो गई बात। आपको नहीं लग रहा, यही खुलवाएं। लाइए जी, लाइए। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 के अंदर 10 लाख रुपए हैं। जज्बाती लोग कह रहे हैं आपने एक्सचेंज गलत कर लिया है, नंबर 1 के अंदर आज 10 लाख रुपए हैं। सोशल मीडिया पे लोग ये बोल रहे हैं ज्यादातर। शताज हारे तो घर जाओगे आप लोग आज। 3 नंबर गाइस, जल्दी से, टाइम अप हो चुका है। मैं 3 नंबर ओपन कर दूं? ये तो कर दें जी, बिस्मिल्लाह करें। चलिए जी, कश्तियां जला के आए हुए हैं यहाँ पे। इस्लामाबाद ईगल्स की तरफ से जैन ने मुझसे कहा कि 3 नंबर ओपन कर दिया जाए और मैंने ओपन कर दिया। क्या हुआ बताता हूँ अभी क्या हुआ। इस्लामाबाद ईगल्स, आप लोग यहाँ तक बहुत कमाल खेले हो। ये रो रही है। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होगा कि आप लोग अच्छा भी खेले हो और बिलाल ने सबको एंटरटेन भी बहुत किया। बिल्कुल, जो बात है हम आप लोगों को मिस करेंगे बहुत ज्यादा, या फिर हम कश्मीर को बहुत मिस करेंगे।
हुसैन ने सबका दिल जीता है इस गेम शो में आके। डॉक्टर मदिया ने आगे प्रूव किया है कि डॉक्टर होने के साथ साथ आप एंटरटेनर भी हो सकते हो। और मुस्तफ़ा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बहुत टैलेंटेड आदमी है, सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन है मेरे हिसाब से। आज आप दोनों में से कोई एक टीम घर जाएगी, और जो भी टीम जाएगी मैं सच कह रहा हूँ मैं उस टीम को बहुत मिस करूँगा। तो गाइस शाहताज यहाँ तो देखो, रो क्यों रही है तुम? मैसेज पे रहता रहेगा। तीन नंबर आज बताता हूँ कि किस टीम को। बिलाल इधर देखो, घर लेके गई है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, चार लाख जीत गए, जीत गए यार। अगर इसमें निकल आता, अगर इसमें निकल आता हम जीत गए थे, लेकिन अब जीतेगा कोई एक। खेलने वाले हैं दो, बताइए आपका ब्रीफ केस खोला जाए या इनका ब्रीफ केस खोला जाए। आपका ब्रीफ केस खोलता हूं तो 10 लाख रुपए निकलने ही चाहिए, उनका खोलता हूं ब्रीफ केस 10 लाख रुपए नहीं निकलने चाहिए तो आप जीतेंगे, बताइए। अच्छा अभी लोग कह रहे हैं आपने आज सबसे बड़ा ब्लंडर ये मारा है कि नंबर वन स्वैप कर लिया, अब आप एक्सचेंज भी नहीं कर सकते और 10 लाख रुपए उसमें। जल्दी से बताइए आपने अपना ब्रीफ केस ओपन करवाना है या वो ब्रीफ केस ओपन करवाना है, जल्दी से। कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो चुका है जैन। आज या तो आप हीरो बन जाएंगे या आज आप फर्स्ट एंट्री में जीरो बन के जाएंगे यहाँ से, बताइए जल्दी से जनाब। मैं इस वक्त सबसे जालिम कैप्टन लग रहा हूँ। टाइम खत्म हो गया ब्रो। ओके वो क्योंकि मेरा था वो ब्रीफकेस पहले मेरे पास था, अब उनके पास है, मैं चाहता हूँ वो खोला जाए, और अगर उसमें 10 लाख नहीं हुए तो इसमें होंगे, फिर आप इसमें होंगे तो हम जीतेंगे। हाँ उनका खुलवाएं भी, लाइए जी मुस्तफा चौधरी का ब्रीफ केस। अगर इसमें नहीं निकले तो चूज तो इन्होंने किया था यार, लेकिन स्वाप कर लाइए जी, लाइए लाइए, जल्दी से लाइए, जल्दी से लाइए। और आज कोई एक टीम घर जा रही है, आखिरी कॉल ले रहा हूं, कर दूं ओपन। आइए जी, अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी हमने इस टेंशन में, अजीब अजीब हरकतें हो रही है, देखें समझ नहीं आ रहा। और मुझे पर्सनली इस टीम का बहुत अफसोस है, लेकिन हम ही है। गेम का फॉर्मेट था, हमारी लीग का फॉर्मेट था, किसी एक टीम ने घर जाना था। गाइस ये लीग यहाँ खत्म हो गई है, लेकिन मुझे चंद अच्छे दोस्त मिले, व्हाट्सएप पे रहेगा मिले, दानिश मैंने मिली, दानिश व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे रहा रहेगा, नहीं आपसे मिलता भी रहूंगा मुस्तफा, एक नया दोस्त भी मिला मुझे, और साथ साथ यहाँ मेरा भाई भी है, लेकिन यहाँ से एक टीम आज इस लीग से हमेशा के लिए बाहर, और वो टीम है यार, रो नहीं भाई, ये रो रहे हैं यार ये लोग सारे, कश्मीर हीरोज आउट। ओह शिट, ये खैर है भाई कोई बात, अब खुश हो जाओ। 10 लाख रुपए ब्रीफ केस नंबर 2 में है, दिखाइए मुझे। कोई बात नहीं यार, कोई बात। 10 लाख रुपए उस ब्रीफ केस में थे जो आज जैन ने स्वैप किया था। 3 बाइक्स के साथ साथ एसीआई तारा की तरफ से एलईडी भी जाएगी इस्लामाबाद ईगल्स के साथ। एसीआई तारा से आपके अबाई की पाकीजगी बरकरार जी। तो ये बोल बचत वालों की 2 कार्ड, 2 बाइक्स और फेस फ्रेश की तरफ से ये बाइक भी जाएगी आपके साथ। कल का मैच देखना ना भूलिएगा, कल है हमारा पहला सेमीफाइनल, और मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा, मेरे साथ मिलके बोलेंगे गेम शो चलेगा।